जी हाँ, 1:39 तक थी। चलिए इंशाल्लाह। आइए क्लास की इब्तिदा करते हैं दुआ के साथ। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वअतमम बिल खैर, रब्बी ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा मिन लदुनका रहमा, रब्बी इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हु क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए अऊज़ु बिल्लाह। जैसा कि हम सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, सूरह बकरा में आयत नंबर 1 से 39 हमारी तमहीद है। तमहीद के अंदर हम आयत नंबर 25 तक पढ़े थे। इंशाल्लाह आयत नंबर 25 को एक बार फिर से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए, सारे लोगों से गुजारिश है तवज्जो के साथ, ये सूरत बड़ी अहम सूरत है, सूरह बकरा है। अब यहाँ पर देखिए आयत नंबर 25 के अंदर, वो बशीर लदीन अमलु 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 सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अन्हारु कुल्लमा रुज़िक़ु मिन्हा मिन समराति رزقاً خالو هذا الذي رزقنا من الخب وأوت به متشابه لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون। अब ये है वो तमाम लोगों के बारे में। इससे पहले जो आयत आई थी हमारे पास आयत नंबर 24 के अंदर, فإن تفلوا ولن تفلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وأعدت للكافرين। जब अल्लाह सुबहान व तआला एक चैलेंज के तौर पर रखे, अगर आप लोगों को शक है कि इस कलाम के नाजिल करने में हमारे बंदे पर, तो इस जैसी एक सूरत लेकर आओ, इस जैसी एक सूरत लेकर आओ, नहीं ला सकते। फइन लम तफलू, तुम अगर नहीं कर सकते ऐसा, वलन तफलू, तुम हरगिज नहीं कर सकते ऐसा काम, तो फिर अल्लाह सुब्हान व तआला वार्न करते हुए बताए कि फत्तकू नार अल्लती, तो फिर डरो अल्लाह की उस आग से, वखुदुहन नास वल हिजारा वअद्दत लिल काफिरीन, जिसका ईंधन बनने वाले हैं उस आग में जो पत्थर और इंसान उसका ईंधन बनने वाले हैं, वही तदलील काफिरिन, और ये तैयार की गई है काफिरों के लिए। ये थी हमारी आयत नंबर 24। अब यहाँ पर जब 24 आयत मुकम्मल हो गई, तो फिर अल्लाह सुबहान तआला आयत नंबर 25 के अंदर बड़े वजाहत के साथ अल्लाह सुबहान तआला ईमान वालों को, मोमिनों को खुशखबरी देते हुए फरमा रहे हैं इस आयत के अंदर, वो बशरी लदीन अमनु, खुशखबरी सुना दीजिए उन लोगों के लिए जो ईमान लिया, वह अमिलुस सालिहाती, ईमान के साथ साथ अमिलुस सालिहात भी करते हैं, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अन्हारु, तो फिर उनके लिए बागात होंगे जिसके नीचे से नहरें बह रही होगी, तहतिहा अन्हारु कुल्लमा रुज़िक़ु मिन्हा, जब कभी भी वहां से कोई रिज्क खाएंगे वो लोग, जब कभी भी कोई रिज्क खाएंगे, कुल्लमा रुज़िक़ु मिन्हा मिन समरातिन, यानी के फलों से रिज्क, मिन समराति रिज़्क़न खालू हाज़ल लदी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, तो वो सारे क्या कहेंगे, ऐ अल्लाह ये तो हम पहले खा चुके हैं, हाँ फल तो वैसे ही रहेंगे जैसे ही उसके मुतशाबियात, वैसे ही फल रहेंगे, लेकिन उसके जायके उसका मजा बिल्कुल तब्दील रहेगा। खालू हाजल लदी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल वो तो भी ही मुतशाबिहा, जैसा कि आप हमको दिए थे इससे पहले, वो तो भी मुतशाबिहा। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये तो हो गई नेमत एक रिस्क की, फलों से रिस्क दिया जाएगा, बेहतरीन उमदा किस्म के फल दिए जाएंगे, और फिर साथ में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो अज़वाजु मुतहरतुन, और फिर उनके लिए पाक पाक और साफ, मुतहरतुन का मतलब है बिल्कुल ताहिर जोड़े, ऐसे जो आप आज तक किसी नामहरम की निगाह ना उन पर पड़ी, ना वो किसी नामहरम को देखी, लम यतमिसुन्ना क़ब्लहुम इंसुन वला जान, ना इंसान छुआ उनको ना कोई जिन छुआ उनको, ऐसी मखलूक जो अल्लाह ताला के जो ताबे थी, अब ऐसे मोमिनों के बदले में उनको दी जाएगी बतौर नेमत अल्लाह ताला की तरफ से, अज़वाजु मुतहरतुन, बीवियां बनाकर पाक बीवियां दी जाएगी, वलहुम फीहा अज़वाजु मुतहरतुन वहुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये थी आयत नंबर 25 का पूरा खुलासा। अब यहां से आइए आयत नंबर 26, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यद्रिब मसलन मा बऊज़तन फमा फौकहा فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقون। चलिए आयत नंबर 26 का खुलासा पढ़िए हमारे तकरीबन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। आयत नंबर 26, बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कि कोई मिसाल बयान करे जो मच्छर जैसी हो, ख्वा इसके ऊपर बढ़कर, सो जो लोग ईमान लाए वो जानते हैं कि वो इनके रब की तरफ से हक है,
और जिन लोगों ने कुफर किया वो कहते हैं अल्लाह ने इस मिसाल से क्या इरादा किया, वो इससे बहुत लोगों को गुमराह करता है और इससे बहुत अच्छे लोगों को हिदायत देता है और इससे नाफरमानों के सिवा किसी को गुमराह नहीं करता। चलिए अब अल्लाह ताला क्या फरमा, यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन अल्लाह ला यस्तही, बेशक अल्लाह सुभान व तआला नहीं शर्माते, ला यस्तही अय यज़रिब मसलन, ये कि वो मिसाल बयान करें, मा बाउज़तन फमा फौकहा, या मच्छर की या फिर उससे कोई अदना चीज की। देखिए मिसाल किसकी दी जाती है, या तो सबसे कमतर सबसे छोटी चीज की या फिर सबसे बड़ी चीज जो तुम्हारे तसव्वुर में सबसे बड़ी है, दो चीजों की मिसाल दी जाती है, दरमियानी चीज मिसाल नहीं दी जाती। अब ये बताने के लिए या तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस छोटी सी मिसाल के जरिए से यकीन दिलाना चाहते हैं कि तुम इस काबिल भी नहीं है कि इसकी तख्लीक कर सकते। आज तक हमारी साइंस इतनी आगे बढ़ी है, इतनी आगे बढ़ी है, बताओ तो सही कोई चीज वो ऐजाद करी? ऐजाद किसी चीज का नहीं करी, बल्कि कायनात में जो छुपे हुए राज है उनको जाहिर करने में माविन साबित हुई है साइंस। और बंदे और रब के दरमियान जो खला था वो खला को करीब करते जा रही है साइंस। साइंस कोई चीज ऐजाद नहीं कर सकती, कोई चीज तखलीक नहीं कर सकती। हाँ कायनात के अंदर जो सारी चीजें तखलीक करी हुई है अल्लाह ताला की तरफ से, उसको और खोलकर और उसके राज हम पर आया कर सकती है साइंस। यही है। अब यहां पर भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन अल्लाह, बेशक अल्लाह सुबहाना ताला नहीं शर्माते, आई यजरिबा, ये कि मिसाल बयान करे, मसलन मा बाउजतन, ये कि मच्छर की, फमा फौखा, या उससे भी कोई इतना या उससे थोड़ा सा बढ़कर, फअमल्लदीना आमनू फयअलमूना अन्नहुल हक मिन रब्बिहिम। अब जब कोई भी चीज की मिसाल दी जाती है, कोई भी चीज की, छोटी से छोटी चीज, तो फिर मोमिनों का दिल में यकीन बढ़ जाता है, वाह क्या अल्लाह ताला कैसी मिसाल बयान करें, वाकई छोटी चीज से एक मच्छर। देखिए अल्लाह सुब्हान तआला एक मच्छर की मिसाल दे रहे हैं। अब ये मच्छर अगर इंसान अगर ईमान वाला है तो फिर वो तसव्वुर कर सकता वाकई अल्लाह सुब्हान तआला किस कदर खा क्या है, अजीम कुदरत के मालिक है, और वो मच्छर की मिसाल दे रहे हैं। मिसाल देने का मतलब क्या है, तुम इस जैसी छोटी सी छोटी चीज जो तुम्हारे सामने तसव्वुर कर रहे हो, तुम इसको भी तख्लीक नहीं कर सकते। बात कहां से शुरू हुई थी, आयत नंबर 23 में, कि अगर तुमको शक है मेरे इस कलाम के नाजिल करने में तो फिर इस जैसी सूरत लेकर आओ। फिर 24 में बोले फइन लम तफलू वलन तफलू, तुम हरगिज नहीं ला सकते, तो फिर तैयार हो जाओ अल्लाह ताला की बनाई हुई आग में जाने के लिए। अब यहां पर भी यही बताना चाह रहे हैं, तुम जिसको समझ रहे हैं कि छोटी चीज है, तुम्हारे नजदीक जब छोटी चीज है तो फिर बना लाओ इस जैसी एक चीज, मच्छर ही सही। अब ईमान वालों के दिल में क्या होता, मच्छर की दो या किसी और चीज की भी दो, वो बिल्कुल आजीज होकर अल्लाह ताला के सामने बिल्कुल वो करते हैं कि अल्लाह वाखे आप हर चीज का हक, हर चीज का इल्म है आपको, हर चीज की कुदरत आपके हाथ में। ये ईमान वालों की कैफियतें होती हैं। अब यहाँ पे क्या बता रहे, देखिए फअम्मल्लज़ीना आमनु, बस जो ईमान लाए, फयअलमूना अन्नहुल हक़ मिन रब्बिहिम, वो जानते हैं कि ये हक है अल्लाह की तरफ से, मखलूक चाहे छोटी सी छोटी क्यों ना हो, ये हक है, ये अल्लाह ही ने इसके, अल्लाह ही इसके खालिक है, और वो जानते हैं ये अल्लाह ही की तरफ से ये हक है, इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला इसकी मिसाल दी है, वो ये जानते हैं। अब इसके बरक्स वो जो लोग कुफर करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो अम्मल्लज़ीना कफरु, और वो लोग जो इनकार करते हैं, फयकुलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, पता नहीं भाई अल्लाह तआला को क्या तो भी हो गया, आखिर क्या इरादा रख रहे हैं अल्लाह तआला, ये छोटी सी चीज का मिसाल दे रहे हैं। फयकुलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह तआला ये जो मिसाल के जरिए से क्या समझाना चाह रहे हैं, अल्लाह सुब्हान तआला ये समझाना चाह रहे हैं कि कायनात की सबसे छोटी चीज जो तुम तसव्वुर कर रहे हो, तो उस जैसी चीज को भी तखलीक करने की कुदरत नहीं रखते, ये सबक नहीं रखते, तुम्हारे अंदर किस्म की कोई काबिलियत है ही नहीं, तुम जिसको कमतर समझ रहे हैं, छोटी समझ रहे हैं, तुम उसको ही नहीं बना सकते, तो दूसरी बड़ी चीजों को तो छोड़ दो। अब अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं इसलिए ये मिसाल बयान करें, फयकुलूना माज़ादल्लाहु बिहाज़ा मसला युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, तो फिर इस जैसी मिसालों के जरिए से अल्लाह सुब्हानहु व तआला बहुत सारे लोगों को गुमराह कर देते हैं,
गुमराह कर देता है, मतलब क्या है, वो लोग सवालों में पड़ जाते हैं। क्या मतलब है अल्लाह ताला का एक मच्छर की मिसाल देने का, मतलब अजीम मालिक, आला दर्जे के मालिक, और वो मिसाल बयान कर रहे हैं छोटी छोटी सी चीज की। तो फिर असल हकीकत क्या है उसके पीछे, इस छोटी सी चीज तुम जिसको छोटी समझ रहे हो, तुम उसको भी तख्लीक करने के काबिल नहीं। इसी तरीके से अल्लाह सुबहानहु व तआला बहुत सारे लोगों को गुमराह कर देते हैं। जब वो अपने सवालात में उलझ जाते हैं, जब गुमराही को पसंद करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला गुमराह कर देते हैं उनको। और फिर उसी तरीके से वो यहदी भी कसीरा, और बाज लोगों को इन छोटी छोटी बातों से ही हिदायत देते हैं। असा और एक दो मिनट रुक, अशहदु अन ला इलाहा أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب العظيم دعوتي تعالى وسنتي القائمة سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والفضل باسه مخم محمود من الذي وتقي رزم الشفاء طويل والخيام انك لا تقري المياه فرضيت بالله رضا وبالاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پر ذرا فرما رہے ہیں پھر بس میں وہ یہدی بھی کثیرا یضل بھی کثیرا یعنی کہ گمراہ بھی ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اسی چیز سے اس چھوٹی سی چھوٹی چیز کی خاطر نہیں لاتے اس جیسی حقیر چیزوں کے بارے میں وہ سوچتے نہیں پھر اس طرح سے گمراہ ہو جاتے ہیں لیکن ایمان والے کیا ہیں اسی سے ہدایت پاتے ہیں ان کے دل اور کھل جاتے ہیں کہ بتاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کی مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تم تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس جیسی مخلوق کو تیار کر سکو یا اس کی کوئی تخلیق کر سکو تو جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم عاجز ہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر ہدایتیں ان کے دل میں آنا شروع ہو جاتی اسی طریقے سے گمراہ بھی اسی سے ہوتے ہیں ہدایتیں بھی اس سے حاصل ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما یضل بھی الا الفاسقون اور گمراہ تو صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو گناہگار ہیں
फासिख फाजिर है, यानी कि गुनाहगार है, बदअमल लोग है, इन्हीं की वजह से। अगर ये लोग अपनी इसलाह कर ले, ये लोग अगर अल्लाह के रास्ते राह रास्त पर आ जाए, तो फिर यही छोटी छोटी चीजें इनके लिए हिदायत का सामान फराहम कर सकती हैं। यही बात थी आयत नंबर 26 में। अब आइए आयत नंबर 27 जी, आयत नंबर 27। जो लोग अल्लाह का वादा तोड़ते हैं इससे पुख्ता इकरार करने के बाद और इसको काटते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया था कि वो इसे जोड़े रखें और वो जमीन में फसाद फैलाते हैं, वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। एक आयत नंबर 27 के अंदर बड़ी अहम आयत है। ये सबसे असल चीज क्या है मालूम है? अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं, सबसे अहम चीज इंसान के अंदर क्या है, नाफरमानी की असल वजह और जमीन पे फसाद बरपा करने की वजह अल्लाह सुब्हान तआला बताना चाह रहे हैं यहाँ पर आयत नंबर 27 के अंदर। कि सबसे पहले क्या है, वो लोग अल्लज़ीना यनखुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादी मीसाख। वो हम सूरह अराफ में पढ़कर आए अलस्तु बिरब्बिकुम, कि अल्लाह सुब्हान तआला हम सबसे पूछे क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो क्या बोले, खालू बोला। सारे लोग क्या बोले, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब है। वो शहीद ना, फिर एक दूसरे के ऊपर अल्लाह सुब्हान तआला गवाह बना दिए। जब अल्लाह को हम अपना रब मान लिए हैं, फिर अल्लाह सुब्हान तआला क्या करें, वक्ती तौर पर दुनिया में जिस मुद्दत के लिए हमको भिजाए वो सारी चीजें हमारे जहन में से डिलीट कर दे। वो याद नहीं है, अहद कर आए सो याद नहीं है, और अपना माल जान अल्लाह के हाथ पर बेच कर आए वो भी याद नहीं है, और अल्लाह से ये इकरार कर आए कि अल्लाह हम जाकर आपका काम करेंगे वो भी याद नहीं है। अल्लाह सुबहान तआला इन तमाम चीजों को क्या करें, हमारे जहनों से कुछ देर के लिए डिलीट कर दिए, और फिर उसको याद दिलाने के लिए हिदायतें भिजाए, अंबियाओं को भिजाए, सीरतें हैं हमारे सामने, नेक लोगों की सीरतें हैं। असल बात वही थी, अल्लज़ीना यनखुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादी मीसाख, वो लोग जो अल्लाह के रोजे मीसाख के दिन अल्लाह के सामने एक अहद करें कि जब मान लिए हम सब अल्लाह को रब है, फिर आके दुनिया में उसको तोड़ दी। यनखुज़ूना का मतलब क्या, उसको तोड़ देना। बात उसके कि पक्का अहद करने के बाद उसको तोड़ देना, ये एक बुनियादी वजह बनती है जमीन पर फसाद बरपा करने की, पहली चीज। अब उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं दूसरी चीज, दो चीजें जहन में रखी अपने, यही वो बुनियादी चीजें हैं जो हम क्या है जमीन पर फसाद बरपा करते हैं। अल्लज़ीना यनखुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादी मीसाखी व यख्तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, और उन तमाम रिश्तों को काट देते हैं जिसको अल्लाह सुब्हान व तआला ने जोड़ने का हुक्म दिया है। देखिए, रिश्ते आप मैं नहीं चूज करेंगे कि फलां लोग ही मेरे माँ बाप होंगे या आने वाली नस्ल में फलां लोग ही हमारे बेटे होंगे, ये अल्लाह सुबहान तआला हमको दिए। हमारी बीवियां कैसे होंगी, हमारे ससुराली लोग कैसे होंगे, हमारे वालिदैन कैसे होंगे, हमारे खालू ताया चची फूफा ये सब लोग कैसे होंगे कि हम चुने इनको, अल्लाह सुबहान तआला ये रिश्ते दिए और इनको जोड़ने का हुक्म दे। यूसला वो यख्तऊना मा अमरल्लाहु बिही, और जब वो लोगों के रिश्तों को काट डालते हैं जिसको अल्लाह सुबहान तआला ने जोड़ने का हुक्म दिया था। देखिए, कहीं पर भी आपको इजाजत नहीं है कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ अपने ताल्लुकात मुनक़ता करें। रिश्तेदारों के साथ आज का माहौल तो ऐसा हो गया है, खिते रहमी तो हरगिज अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं। खिते रहमी का मतलब क्या है, एक माँ से पैदा होने वाले बच्चे, खिते रहमी एक माँ से पैदा होने वाले बच्चे। अब इनमें भी इतने खुराफात हैं, इनमें भी कई सालों तक बातचीत नहीं रह रही आज, जबकि अल्लाह का हुक्म क्या है। फिर आप सबर किस पे करेंगे, कौन सी चीज पे सबर करेंगे? सताने वाले हमारे रिश्तेदार ही होंगे ना भाई, जो आसपास है हमारे, जो हमारे इर्द गिर्द है, वही लोग, उन्हीं की जद में हम आते, उन्हीं की तरफ से तकलीफें मिलती हैं या उन्हीं की तरफ से खुशियां मिलती हैं, राहतें मिलती हैं। अगर हम इनको बुरा समझकर काटने लगेंगे तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यही वजह है जो जमीन पर फसाद बरपा करती है। दो चीजें खास करके अल्लाह ताला बताया, अल्लज़ीना यनखुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादी मीसाखी व यख्तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, वो रिश्तों को काट देते हैं जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है जोड़ने का। युसला, फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं,
और जमीन पर फसाद बरपा करते हैं इसी तरीके से। जब अल्लाह को हक मानकर आए, रब को रब माने, रब को मानकर आकर फिर उसको तोड़ दिए, वो अहद तोड़ दिए। दूसरा, अल्लाह ताला ने जो रिश्ते दिए उनको भी काट डालते हैं, काट डालते हैं बोले अल्लाह ताला। यहां पर निभाना है रिश्ते हर आदमी के साथ या हर औरत के साथ, करीब तरीन रिश्ते, करीब तरीन रिश्ते 29 रिश्ते लगते हैं या 30 रिश्ते लगते हैं। कागज पर देखिए आप, बाप है, बेटा है, भाई है, बहन भाई है, पुप्पा है, खालू है, ताया है, चिच्चा है, कई चीजें लिख लीजिए आप। लिख कर अपना अपना जायजा लीजिए, हर एक के साथ मेरे ताल्लुकात कैसे, क्या ये सारे रिश्तेदार मेरे से खुश हैं या मैं इनसे कोई हख्तलफी कर रहा हूं इनकी। अगर हख्तलफी कर रहा हूं तो फिर मैं जमीन पर फसाद बर्पा कर रहा हूं, नहीं मैं सबको लेकर चल रहा हूं बावजूद उनकी खामियों के, मेरी खामियों के, दरगुजर करते हुए लेकर चल रहा हूं। तो ये अल्लाह को पसंद है। क्यों पसंद है अल्लाह ताला को? क्योंकि अल्लाह सुभान व तआला अफू दरगुजर करने वाली जात है। अल्लाह भी यही चाहते हैं, जब इंसान भी ये रवैया इख्तियार करेगा अफू दरगुजर का, तो फिर अल्लाह भी इसके ऊपर बड़ी मेहरबानी करता है। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रिश्तों जिसको अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है उसको काट डालते हैं। अब उसके बाद उलाइक क्या है, वो युफ्सिदुना फिल अर्द, मा अमरुल्लाह बिहि यही सलाह, वो युफ्सिदुना फिल अर्द उलाइक हुमुल खासिरून। तो फिर इसी तरीके से वो जमीन पर फसाद भी बर्पा करते हैं, और उलाइक हुमुल खासिरून यही वो लोग हैं जो आखिरत में खसारे में रहने वाले, खासिरून खसारा उठाने वालों में से। अब आइए आयत नंबर 28 पढ़ते हैं। अदब में ये जो 27 आयत में जो रिश्ते तोड़ने का हुक्म आया जी, जोड़ने का, सॉरी जोड़ने का मतलब जो तोड़े तो उनके लिए जो वही आई यहाँ पर, तो कुछ यहाँ पर वाकया पेश आया था क्या कुछ मतलब सीरत में, ताकि तो कुछ ऐसा है कहाँ पेश आ रहे जो नहीं, ऐसा कुछ सीरत के साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला क्या बोल रहा है, बुनियादी वजह जमीन पर फसाद बर्पा करने की दो चीज है। एक अल्लाह को हम रब मानकर आए फिर उस अहद को तोड़ दिए, अल्लज़ीना यनखुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादी मीसाखी, रोजे मीसाख का वादा क्या था, रब को रब तस्लीम करें, अब यहाँ पर आकर रब के बजाय किसी और का हुक्म मान रहे हैं। मिसाल के तौर पर ख्वाहिशात नफ्स का भी हुक्म मान रहे हैं, तो वो भी रब मना लिया बोल के बोले अल्लाह ताला एक जगह। तो ये चीजों को आप देखो, ये जो तोड़ते हैं पहला अहद वो तोड़ना, दूसरा अहद रिश्तों को जो जोड़ने का हुक्म था उसको काटते हैं। तो फिर इसी यही वजह है जमीन पे बुनिया, अल्लाह ताला इस्लाह कर रहे हैं हमारी। आयत नंबर 28 तुम किस तरह अल्लाह का कुफर करते हो और तुम बेजान थे, सो इसने तुम्हें जिंदगी बख्शी, फिर वो तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें जिलाएगा, फिर इसकी तरफ लौटाए जाओगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए अल्लाह सुभान व तआला किस तरीके से बोल रहे हैं, आखिर तुम्हारे को कैसे हिम्मत कहाँ से आई, क्या इख्तियार है तुम्हारे पास, क्या तुम इस कदर काबिल हो गए हो कि तुम तो कोई चीज थे ही नहीं ना भाई, एक नुतफा थे, उससे पहले बेजान शय थी, और वो बेजान शय को हमने ही जिंदगी बख्शी, और हमने ही तुमको हयात से नवाजा, फिर हम ही तुम पर मौत देने वाले हैं, फिर मौत के बाद फिर हम एक बार फिर जिंदा करेंगे, इसी तरीके से तुम हमारे पास लौटने वाले हैं। तो फिर तुमको हक कहां से पहुंचता है कुफर करने का, क्या तुम खुद वजूद में आ गए? अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं, देखिए आयत का हर आयत को हम रिवर्स तरीके से समझेंगे। सवाल क्या है यहाँ पे, कैफ तकफुरूना, आखिर तुमको कैसा, किस तरीके से ये हक पहुंचता है कि तुम कुफर करे अल्लाह के साथ। कैफ तकफुरूना बिल्लाह व कुंतुम अमवातन, जबकि तुम एक मुर्दा हालत में थे, कुंतुम अमवातन फहयाकुम, फिर हमने तुमको जिंदगी बख्शी, और उसके बाद फरमा रहे सुम्मा युमीतुकुम, फिर हम तुमको जिंदगी बख्शने के बाद पहली क्या है आलम अरवा में जब अल्लाह सुब्हानहु तआला अहद लिए हमसे, उसके बाद क्या करें एक मुद्दत तक हमको सुला दिए मौत की हालत, फिर उसके बाद क्या करें माँ के पेट से लेकर फिर हमको दूसरी जिंदगी दी, फिर माँ के पेट से लेकर खबर में जाने तक एक जिंदगी रही हमारी, फिर खबर की जिंदगी से लेकर फिर हम मौत की हालत में रहे। अब यहाँ पर तीन चीजें, वो कुन तुम अमवातन, तुम तो पहले मुर्दा हालत में थे, फहयाकुम, फिर हमने तुमको जिंदगी बख्शी, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम क्या आगे हम तुमको फिर मौत देंगे, और फिर सुम्मा युहीकुम, फिर मौत के बाद खबर में तुम जब पड़े रहोगे आलम बरज़ख में, फिर उसके बाद हम तुमको जिंदगी देंगे।
सुम्मा युमीतु को सुम्मा युही को, और फिर हम तुमको जिंदगी मौत देंगे और फिर जिंदगी देंगे, फिर उसके बाद सुम्मा इलैही तुरजाउन, फिर तुम इसी तरीके से हमारे पास लौट कर आ जाओ। ये चार चीजें बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला। क्या तुम देखो, जरा गौर करो, तुमको किस तरीके से हक पहुंचता है कि तुम अल्लाह के साथ कुफर करें, जबकि वो जात जिसने तुमको जिंदगी बख्शी जबकि तुम मुर्दा हालत में थे, एक जिंदगी बख्शी, फिर उसके बाद उसी जिंदगी के बाद तुम पर मौत तारी कर दी, फिर मौत तारी करने के बाद एक वक्त आने के बाद फिर तुमको एक जिंदगी देंगे, फिर उसके बाद तो सब अल्लाह की तरफ लौट कर जाओगे। तो ये चार स्टेजेस बयान कर अल्लाह सुब्हानहु तआला सवाल करते हैं कि कैसे तुमको हक पहुंचता है कि अल्लाह के साथ कुफर करे। चलिए इंशाल्लाह आयत नंबर 29 पढ़ेंगे। आयत नंबर 29, वही है जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया जो जमीन में है सबका सब, फिर इसने आसमान की तरफ हसद किया, फिर इनको ठीक बना दिया सात आसमान, और वो हर चीज को जानने वाला है। चलिए अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमा रहे हैं, वो अल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ी जमीअन, और वही तो है जिसने हम सब की तख्लीक फरमाई, और फिर हम सबको मा फिल अर्ज़ी जमीअन, फिर क्या करे अल्लाह सुब्हानहु तआला, जो कुछ भी चीजें थी हमारे लिए मुहैया फरमा दी जमीन के ऊपर, और फिर अल्लाह तआला फरमा रहे हैं सुम्मस्तवा इलस समाई, फिर अल्लाह सुब्हानहु तआला मुतवज्जे हुए आसमानों की तरफ, खसत फरमा लिया। पहले अल्लाह का हम आगे भी आयतें पढ़ेंगे, हो सकता है वो आयत आई या आने वाली है कि अल्लाह का अर्श पहले पानी पर था, अब वो पानी समंदर की शक्ल में इस कुर्रे पर है या कहीं और कुर्रों में मौजूद है वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, लेकिन अर्श अल्लाह का अर्श बरी पहले पानी पर था, फिर अल्लाह सुब्हानहु तआला जब दो दिनों में पूरी दुनिया बनाए, जमीन को बनाए, फिर दो चीज दो दिनों में वो जमीन के ऊपर तमाम चीजों को अल्लाह सुब्हानहु तआला, मैं भी बात देखो एक मैं बताता हूँ, मैं क्लास में हूँ वाज भाई, इंशाल्लाह क्लास खत्म होते कॉल करता हूँ मैं। चलिए दो रौज़बिल्लाह मिन शैतान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह सुब्हान तआला दो दिनों में जमीन को बनाए, और जमीन के ऊपर जो जो चीजें बनवाना चाहते थे अल्ताफे सॉरी म्यूट हो गया, आप एक बार अनम्यूट करिए ना। तखी भाई आप मेरे को होस्ट बना दीजिए, को होस्ट मैं देख लेता हूँ। चलिए औज़ु बिल्लाहि मिनश बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सही है ना आवाज़ आ रही है तखी भाई? हाँ जी सर, हाँ जी। चलिए अब यहाँ पर देखें, वो अल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ी जमीअन, तो वही तो ज़ाते पाक है जिसने हम सबकी तख्लीक फरमाई, मा फिल अर्ज़ी जमीअन, और जो कुछ भी चीज जमीन पर हमारे लिए मुहैया, फिर सारे का सारा, फिर तमाम चीजें हमारे लिए मुहैया फरमा दी जमीन के ऊपर सारे की सारी चीजें, और सुम्मा इस्तवा इला समाई, फिर वो खसद फरमाए आसमानों की तरफ, यानी कि फिर मुतवज्जे हुए, फिर वहां पर मुतवज्जे होकर सात आसमान बनाए, फसव्वा हुन्ना सबअ समावातिन, फिर वहां पर अल्लाह सुब्हान तआला सात आसमान बनाए, और फिर सातवें आसमान के बाद अल्लाह सुब्हान तआला का अर्श बरी अर्श पर मुस्तवी हो गए, और अल्लाह सुब्हान तआला वहां से तदबीरें फरमाते हैं सारी कायनातों के अंदर। अब यहाँ पर बात वही है, वह अभी कुल्ली शैइन अलीम, इस तरीके से अल्लाह सुबहान तआला हर चीज का इल्म रखते हैं, वो हर चीज के वाकिफ है। अब आइए आयत नंबर 30। आयत नंबर 30, और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक नायब बनाने वाला हूँ, इन्होंने कहा क्या तू इसमें बनाएगा जो इसमें फसाद करेगा और खून बहाएगा, और हम तेरी तारीफ के साथ तुझको बेऐब कहते हैं और तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं, इसने कहा बेशक मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। चलिए अब यहाँ पर देखिए आयत नंबर 30 से जरा तवज्जो के साथ हम पढ़ें, ये क्या है, ये पहला मरहला है, अभी इंसान की तखलीक नहीं हुई, इंसान का कोई वजूद का कहीं जिक्र ही नहीं, इंसान को ना अल्लाह सुब्हान तआला ना बनाए, सिर्फ एक ख्याल जाहिर कर रहे हैं फरिश्तों के सामने, अभी इंसान की तखलीक नहीं हुई, इंसान को बनाए नहीं, मगर एक ख्याल जाहिर कर रहे हैं। क्या ख्याल जाहिर कर रहे हैं, वो इस खाला रब्बू का, जब हमारे रब ने कहा फरिश्तों के सामने, लिल मलाइकती, फरिश्तों के सामने, इन्नी जाइरुन फिल अर्दी खलीफा, कि मैं जमीन पर अपना एक जानशीन, खलीफा का मतलब क्या है, देखिए अल्लाह सुबहान व तआला के जो अहकाम है, जो इंसाफ है, जो हुकूक बराबर सबको अदा करने का है, वही तमाम चीजें कायम करने वाला बनाना चाहते थे जमीन पर,
खलीफा का मतलब यही है, रिप्रेजेंट करने वाला, एक अपना रिप्रेजेंटेटिव। किसी भी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को इख्तियार नहीं रहता कि वो आउट ऑफ द वे जाकर कंपनी के लिए कुछ करे, और उसके गाइडलाइंस रहते हैं, उसके कुछ नॉर्म्स रहते हैं, उसी के अंदर रहते हुए कंपनी की बखा के लिए काम करना पड़ता है उसको। उसी तरीके से जब इंसान को अल्लाह सुब्हानहु तआला बतौर नायब अपना खलीफा तजवीज कर रहे हैं, भी जमीन पे बनाने का इरादा रख रहे, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कि मैं जमीन पर मैं चाहता हूं कि मैं अपना एक खलीफा बनाऊं जमीन पर। बात पहले से तय थी, इंसान को जमीन के लिए ही बनाया गया था। ये तो कुछ चंद वजह बनी जो आदम अलैहिस्सलाम जो फल खाए या बहुत जल्दी हम दुनिया में आ गए, वरना हमारी तखलीक हुई थी जमीन के लिए। ये जहन में रख लीजिए, आयत से यही मालूम होता है, ये आयत से ये बात बिल्कुल साफ हमारे सामने खुलकर आ जाती है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जब इरादा फरमाया था इंसान को बनाने का, तो फिर जमीन के लिए ही बनाए थे। इन्नी जाइरुन फिल अर्दी खलीफा। अब यहां पर फरिश्तों की बात सुनिए, बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम आयत है। इसमें देखिए, वइज़ क़ाला रब्बुका लिलमलाइकति इन्नी जाइरुन फिल अर्दी खलीफा खालू अतजलू फीहा, तो वो लोग बोलने लगे आखिर क्यों बनाना चाहते हैं मलिक रब्बुल आलमीन, क्यों बनाना चाहते हैं, क्या वजह है बनाने की। खालू अतजलू फीहा मैं युफ्सिदू फीहा, आप इसलिए बनाना चाहते हैं कि वो फिर फसाद करे। अभी इंसान पैदा ही नहीं हुआ, इंसान के बारे में कैसा ख्याल, कैसी बातें कर रहे हैं फरिश्ते, क्या आप इसलिए बनाना चाहते हैं कि वो फसाद बर्पा करे। ये कौन सी बात थी, ये किसको देखकर फरिश्ते कह रहे थे, हालांकि इंसानी वजूद का कहीं अभी जहूर में आया ही नहीं, इंसान अभी पैदा हुआ ही नहीं, बनाने का इरादा फरमाया अल्लाह सुबहान तआला, और फिर फरिश्तों के सामने जब अपना ख्याल जाहिर करे तो फरिश्ते बता रहे हैं खालू अतजलू फीहा, क्यों बनाना चाहते हैं, अई वसीदो फीहा, वो ये कि जमीन पर फसाद बर्पा कर इसलिए बनाना चाहते हैं आप। अब ये जो मुशाहदा था, ये जो एक्सपीरियंस था फरिश्तों का, हमारे से पहले जो मखलूक आबाद थी वो थे जिन्नात, वो जिन्नात थे, और वो जिन्नात आबाद थे मार्स पर, मार्स पर उनकी पूरी आबादी थी। अब जब इनके अंदर भी एक वक्त तक अल्लाह ताला की हिदायत पर कायम थे, बाद में क्या हुआ, एक दूसरे से कंपटीशन शुरू हुआ, जैसा कि आज जमीन पर कंपटीशन है, आज हर एक के पास न्यूक्लियर वार हेड्स है, कम से कम 7 कंट्रीज में तो है, और बाज लोगों के पास पोशीदा तौर पर है, सब मिलाकर 11 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वार हेड्स है। तो ऐसे ही वार हेड्स उनके पास भी थे। अब जब पूरे लोग मेरी बर्तरी करने लगे, तो सब मिलकर एक बड़ा फसाद हुआ। एक कंपटीशन होना, कंपटीशन हेल्थी कंपटीशन होना, एक दूसरे को कॉम्पीट करना, एक दूसरे से कॉम्पीट कर क्या है, अल्लाह के पास दर्जे हासिल करने के लिए कंपटीशन, हेल्थी कंपटीशन। कोई अच्छा खैर का काम कर रहे हैं, हम उससे बेहतरीन खैर का काम करें, कोई भलाई का काम कर रहे हैं, उससे बेहतरीन भलाई का काम करें। ये जब जहन में आ जाता है कि मैं सामने वाले को नीचा दिखा दूंगा, मैं ही बेहतर हूं, तो ये क्या है, कॉम्पिटिशन के साथ साथ हसद भी शुरू हो गया। वहां पर भी ऐसी चला, जिन्नात जो आबाद थे मार्स पर, वहां पर एक बड़ा तसादुम हुआ, बहुत बड़ा, और वो पूरा कुर्रा लाल हो गया, इतना बड़ा। अगर हमारे पास भी खुदा ना खास्ता अगर न्यूक्लियर वार अगर हो गई, तो व्हाट विल रिमेन आफ्टर दैट, क्या बचेगा उसके बाद, क्या है कोई चीज बचने के काबिल। देखे थे आप एक फिल्म आई थी बहुत साल पहले, द डे आफ्टर, उसके बाद कुछ नहीं रहता, जितने भी लोग जो बच जाएंगे वो बीमारियों में मुब्तला हो जाते। आज जो एक मामूली बम, जो हाइड्रोजन को कोई न्यूक्लियर बम नहीं समझते, जो हिरोशिमा नागासाकी पर जो धागा गया था वो हाइड्रोजन बम था, आज भी क्या होता, वहां पे काश्त नहीं होती, वहां की आबादी में अभी भी बाज लोगों में क्या है, सेहत के एतबार से अभी बहुत सारी कमजोरियां हैं। अभी तक 30-40 साल के ऊपर हो गया, अभी भी ये हाल है। अगर यहां पर वॉर, न्यूक्लियर वॉर हेड हो गए, तो फिर क्या बचेगा, सोचिए। तो वैसे ही वो जब फरिश्ते देखे कि इतना बड़ा तसादुम हुआ था, तो फिर अल्लाह ताला से पूछ रहे हैं, अल्लाह पहले एक मखलूक बनाए थे, वो मुकल्लफ थी, जिन्नात मुकल्लफ थे, मुकल्लफ का मतलब क्या, जवाब देते अल्लाह के सामने। अब ये इंसान भी अल्लाह के सामने जवाब दे बनाने वाले, अल्लाह ताला उसको जानशीन बोले, अब इसको भी जानशीन, अब ये जानशीन
आप क्यों बनाना चाह रहे हैं कि वो जमीन पर फिर फसाद बर्पा करे? इसलिए मैं युफ्सिदु फीहा, और फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, खालू व तजलु फीहा, क्यों बनाना चाहते हैं, मैं युफ्सिदु फीहा, कि वो जमीन पर फसाद बर्पा करे, वो यस्फिकु दिमा, और वो खून रेजी करे। फसाद करना एक अलग चीज है, फिर खून रेजी। खून रेजी कैसा है, आज हालात कैसे हैं, सब लोग अपने आप को, सबसे पहले तो अमेरिकन्स अपने आप को क्या समझते हैं, हम ही इस्लाह करने वालों में से, हम सबसे पहले, हम तो फसाद फैला नहीं, हम इस्लाह कर रहे हैं। इस्लाह के बहाने में क्या कर रहे हैं, यूएन के जरिए से सारे लोगों का खला खमा मार दे, आईएमएफ के लोन के जरिए से, हर चीज के जरिए से लोगों को खत्म, इंसानियत को खत्म करते जा रहे हैं, खत्म, चुंगल में लेकर, सूद के चुंगल में लेकर, उनके ऊपर बोझ डालकर, इस तरीके से। ऐसा भी नहीं हुआ तो फिर उनके आसासों को छीन कर, जैसा कि यमन के पूरे पेट्रोल पर खाबिज, लीबिया के पेट्रोल पर खाबिज, इराक के पेट्रोल पर खाबिज, हर तरीके से अफ्रीका, अफगानिस्तान में जो जंग चल रही है, वो किसकी जंग है, वो कई की जंग है, अल्लाह सुभान व तआला। यहाँ पे लोग आज जो बनाया बयान करते हैं, कई हंड्रेड ट्रिलियन डॉलर के लिथियम के जखायर है, लिथियम जो बैटरीज हम यूज करते हैं फोन के अंदर, या फिर कई और तरीके से भी इसको यूज करते हैं, आने वाला जमाना ये पेट्रोल वेट्रोल का नहीं रहेगा, लिथियम बैटरीज का जमाना रहेगा, और वो लिथियम के जखायर 300 ट्रिलियंस के है अफगानिस्तान। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसा पहले अरबों को मारकर छीने, वह आदत पड़ गई थी, वैसे ही वहां जाकर करने की कोशिश करें, अल्लाह सुभान व तआला वहां से उनको हरा कर, फिर जाहिर क्या करते हैं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। ये है फसाद, ये है खूनरेजी, ये है इंसान का कत्ल। तो फरिश्ते बोल रहे हैं, क्यों बना रहे हैं अल्लाह, आप क्यों बनाना चाहते हैं, क्या वो फिर भी जमीन पर फसाद बर्पा करें, या फिर जमीन पर खूनरेजी करें? अभी इंसान बना नहीं, उसके बारे में फरिश्ते बता रहे हैं। तो फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं, क्यों बनाना चाह रहे हैं, वो इसमें को दिमाग कि वो जमीन पर खूनरेजी करे। तो फिर बोले, वो नहानून उसबिहु बिहम्दिका, हम है ना परवरदिगार, आपकी हम्द सना बयान करने के लिए हम है ना, आप जैसा कह रहे हैं, रुकू में रखे, रुकू में हम हम्द सना बयान कर रहे हैं, सजदे में बनाए, सजदे में बयान कर रहे हैं, ख्याम के दौरान आप ख्याम में खड़ा करके बोले तस्बीह करने के लिए, ख्याम में कर रहे हैं, हम है ना, नहानून उसबिहु बिहम्दिका नुकद्दिस लका, आपकी वहदानियत की तारीफ और आपकी तस्बीह करने के लिए हम है ना, फिर क्यों बनाना चाहते हैं? ये है बहुत अहम आयत। यहां से वसीयत आने तक 38 तक हम बहुत इसको तवज्जो के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि यही वो इब्तदाई, अभी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री अभी अल्लाह सुब्हान व तआला बनाए नहीं, क्रिएट नहीं करे, खाली ख्याल जाहिर करे, तो फरिश्ते भी अपना ख्याल जाहिर करें, क्यों करना चाहते हैं आप, हम है ना आपकी तस्बीह बयान करने के लिए, आपको वहदानियत, आपको एक मानने के लिए हम है ना, नानू सब यो भी हम दिखा नुखदिस लख। और फिर उसके बाद फरमा रहे हैं, खाला इन्नी आलमु माला तालमून, तो फिर अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाए, मैं जानता हूं मगर तुम लोग नहीं जानते, खाला इन्नी आलमु माला तालमून, अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाए कि मैं जानता हूं कि इंसान को जो बना रहे हैं, हाँ कुछ लोग होंगे शर पसंद, लेकिन कुछ हक पसंद भी होंगे, कुछ होंगे मुफसिद, कुछ खजात अदल करने वाले भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे सारे ऐसे होंगे, लेकिन मैं वादे के साथ ये कह रहा हूं कि जो लोग मेरे कहना मानेंगे, मैं उनको जन्नतों में रुतबे अदा करूंगा, जो मेरी नाफरमानी करेंगे, मैं दोजख का मजा चखाऊंगा। ये बातें पहले से तय हो गई थी, मैं जानता हूं, इस साथ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, खाला इन्नी आलमु माला तालमुन, तुम इस बात को नहीं जानते। अब आइए इसके बाद सरसरी नंबर आयत नंबर 31 आयत नंबर 31 और इसने आदम अलैहिस्सलाम को सब चीजों के नाम सिखाए, फिर इन्हें फरिश्तों के सामने किया, फिर कहा मुझको इनके नाम बतलाओ अगर तुम सच्चे हो। जी इनको तुम साथ, अब यहां पर देखिए, अभी इंसान और पूरे फरिश्ते, फरिश्ते क्या है, अब ये फरिश्तों के सामने क्यों मुनाजरा हुआ इंसान का और फरिश्तों का, क्योंकि फरिश्ते क्या करें, इंसान को बनाने से पहले ही उनके बारे में ख्याल जाहिर करें, क्यों क्यों बनाना चाह रहे हैं कि फसाद बर्पा करेगा ये इंसान, और फिर खून खून रेजी करेगा,
हम है ना आपकी तस्बीह करने के लिए, तो फिर अल्लाह ताला क्या करे, आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के अस्मा है, हर चीज यानी कि जो भी अल्लाह सुब्हान अल्लाह तखलीक फरमाए उन तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। नाम का मतलब क्या है, नाम उसकी तासीर, ये क्या है, इसका नाम फला का नाम ये ग्रेनेट है, अब ये ग्रेनेट इतना हार्ड होगा, इतना वो होगा, ऐसा होगा, ये तमाम चीजें उसकी तासीर भी, हर चीज जो अल्लाह सुब्हान अल्लाह बनाना चाहते थे दुनिया के अंदर, वो तमाम चीजों के नाम आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए और उसके तमाम चीजों को बता देकर अब दोनों का मुनाजरा हुआ, फरिश्तों का और आदम अलैहिस्सलाम का। अब यहाँ पर फरिश्तों को सामने इस वजह से लाए अल्लाह सुब्हान अल्लाह, क्योंकि यही वो फरिश्ते थे जो आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक से पहले ये ख्याल जाहिर कर रहे थे कि अल्लाह क्यों बनाना चाहते हैं, इसलिए कि वो फसाद बर्पा करें, इसलिए कि खून रेजी करें। तो अल्लाह ताला बोले नहीं, मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। वो क्या जानते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला इंसान को इल्म से नवाजने वाले थे, इल्म के जरिए से वो तमाम हकायक कायनात के अंदर जो कुछ भी अल्लाह सुब्हान व तआला ने बतौर तमाम चीजें तखलीक की थी उन तमाम चीजों के लिए जानशीन बनाकर उसका इस्तेमाल सिखाना चाहते थे और उसी तरीके से सामने लाकर अब दोनों का मुनाजरा हो रहा, यानी कि आमने सामने मुनाजरा हो रहा, एक तरफ इंसान है, एक तरफ फरिश्ते, एक तरफ वो फरिश्ते हैं जो इंसान के बनाए जाने से पहले उनके बारे में कह रहे थे, वो अल्लाह आदम अलस्मा कुल्लहा, और जब हमने सिखा दिया आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम, सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति, और फिर जब उनके सामने किया फरिश्तों के सामने अलल मलाइकति, फ़क़ाल अंबियूनी बिअस्माई, तो फिर अल्लाह सुब्हान व तआला फरिश्तों से पूछे, चलिए तुम बोल रहे हैं, तुम्हारा इल्म बड़ा है, तुम्हारे सामने समझ है, तुम्हारे तमाम चीजों का, तुमको तमाम चीजों का बारे में इल्म है, तो बोले तो अब आइए इसके नाम बताइए, क्या बोले फरिश्तों के सामने, फ़क़ाल अंबियूनी बिअस्माई, फिर उन्होंने अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया, फिर तुम मुझे तमाम चीजों की खबर, एक एक चीज के नाम बता दो, फ़क़ाल अंबियूनी बिअस्माई हाउला इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम वाकई सच्चे है, अगर वाकई तुमको ये इल्म है कि इंसान कमतर है, इंसान फसादी है, इंसान खून रेज है, खून रेजी करने वाला है, तो फिर इसके नाम बता दो, अगर तुम वाकई सच्चे है, अपने इल्म पे तुमको इतना नाज है, तो फिर इसके नाम बता दो। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, वो लोग नाम बता ही नहीं सके, अब आगे आगे बढ़ सकते, खालू सुभानक ला इल्म लना, आगे बढ़िए इंशाअल्लाह, आयत नंबर 32 के अंदर, इन्होंने कहा तू पाक है, हमें कोई इल्म नहीं मगर सिर्फ वो जो तूने हमें सिखा दिया, बेशक तू ही जानने वाला हिम्मत वाला है। चलिए अब ये तमाम चीजें उनके सामने बोले, बताओ भाई इन सब चीजों के नाम, और बता नहीं सके, जब बता नहीं सके तो क्या बोले, खालू सुभानका, फिर सारे मिलकर बोले अल्लाह पाक, पाक है, तमाम चीजों से पाक है, सुभान अल्लाह के नामों में सबसे बेहतरीन चीज जो है वो सिफती नामों में से सुभान पाक, खालू सुभानका ला इल्म लना, हमको इस बारे में इल्म नहीं है, इल्ला मा अल्लमतना, मगर वो जो आप हमको सिखाए या जो आप हमको दिए, जो आप हमको बताए, उसके अलावा हम और कुछ नहीं जानते रब्बुल आलमीन, ये सब चीजें आपके सामने हैं। मगर फरिश्ते यहाँ पर क्या करें, वक्त से पहले ही जो अपना ख्याल जाहिर करें, फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला समझे कि तुमको बहुत सारा इल्म है इस बात का कि ये इंसान फसादी है, ये खून रेजी है, खून रेजी करने वाला है, तो बताओ फिर इनके नाम सही है, तो वो बोले हमको तो नहीं मालूम है। तो इसका मतलब ये हुआ अल्लाह अल्लामुल गुयूब है, अल्लाह ही जानते हैं कि इंसान के दिल में क्या है, जबान पर क्या है, और किन चीजों को वो छुपा रहा है, वो तमाम चीजों का इल्म अल्लाह ही को है, किसी और को नहीं है, ना फरिश्ता जान, कोई ना कोई फरिश्ते जान सकते हैं, ना कोई और मखलूक। यही बात अल्लाह ताला समझाना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ, इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जानता हूँ सब कुछ, तुम लोग नहीं जानते, खा वो कितने भी बरगजीदा मखलूक हो जाए, या कोई फरिश्ता भी हो जाए, या कोई और भी हो जाए, कोई नहीं जान सकता सिवाय अल्लाह के। अब यहाँ पर भी बात वही थी, अब बुलक भी यही कहने लगे इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक आप बहुत हिकमत वाले हैं और बहुत इल्म वाले हैं, बहुत हिकमत वाले हैं। अब वहां पर फरिश्ते जब सारे लोग मिलकर हथियार डाल दिए, अल्लाह हम नहीं जानते, बस हम सिर्फ वही जानते हैं जो आप हमको सिखाया, इन तमाम चीजों का इल्म तो हमको नहीं है, लिहाजा
आप पाक है और आप इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक आपका इल्म और आप ही की हिकमत है, आप ही का इल्म है, हम इससे नावाकिफ है। अब उसके बाद आइए आगे पढ़ते हैं, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, आयत नंबर 33। जी, इसने फरमाया ए आदम इन्हें इनके नाम बतला दे। तो जब इसने इनके नाम बतलाए उसने फरमाया क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं जानता हूँ छुपी हुई बातें आसमानों और जमीन की, और मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। चलिए, अब ये मनाजिरे में जब उनके सामने सबसे पहले चांस, उनके फरिश्ते बोल लेते हैं अल्लाह के सामने कि क्यों बनाना चाह रहे हैं आप जमीन पर एक फसादी को, फिर एक खून रेजी करने वाले को, लिहाजा वो जब जब पीछे हट गए तो फिर आदम अलैहि सलाम को मौका दिया गया। खाला या आदमु, जब अल्लाह सुभान व तआला फरमाया आदम से, या आदमु अंबिउनी, बता दो इन तमाम चीजों के नाम, अंबिउनी भी अस्माइहिम, इन तमाम चीजों के नाम खबर बता दीजिए हमारे को। फलंबा अंबाउ भी अस्माइहिम, जब उन्होंने बता दिया तमाम चीजों के नाम और उनके सिफतें बता दी, तब उनके सामने क्या हो गया दोनों के मनाजरे में। अब यहां पर इंसान की बर्तरी फौखियत उसको कैसा हासिल हुई, इल्म के बिना पर, और वह इल्म वो कायनात के अंदर की तमाम चीजों का इल्म, ये इल्म से फौखियत हासिल हुई इंसान को, दर्जे बुलंद हुए इंसान के इल्म की बिना पर ही। खाली ऐसे ही नहीं, इल्म की बुनियाद पर क्या हुआ, इंसान को फौखियत हासिल हुई फरिश्तों पर, मस्जूद मलाइका क्यों बने, इल्म की बुनियाद पर। अब यहाँ पर इल्म में क्या है, खाला आलम, क्या है खाला आलम अखुलकुम इन्नी आलम गैब समावाति वल अर्द, जब उन्होंने फरफर अल्लाह सुभान व तआला जब उनसे बताए कि आदम अलैहि सलाम इनके नाम बता दीजिए, बता देने के बाद फिर अल्लाह तआला फरमाए कि जब मैंने तुमको पहले ही कह दिया था कि मैं जानता हूँ गैब समावाति वल अर्द, यानी कि आसमानों और जमीन का जो गैब है उन तमाम चीजों के बारे में मैं ही जानता हूँ, कोई और नहीं जानता, कोई और नहीं जान सकता। खाला खाला अलम क्या है, खाला अलम अखुल्लकुम इन्नी आलम गैब समावाति वल अर्द, क्या मैं तुमसे पहले नहीं कहा था कि मैं तमाम चीजों का इल्म रखता हूँ गैब का। उसके बाद वो आलम मा तुबदूना, और वो तमाम चीजों का उसे भी जानता हूँ जो तुम कुछ छुपाते हैं। वमा कुंतुम तक्तुमून, तुबदूना जाहिर करते हैं या छुपाते हैं, वो तमाम चीजें, एक तो आलम गैब है तमाम चीजों का इल्म अल्लाह को है, दूसरा जो कुछ भी हम जाहिर करते हैं या जो कुछ भी हम छुपा लेते हैं उन तमाम चीजों का भी अल्लाह सुबहान तआला को इल्म है। हम अल्लाह के सामने कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो हमारे लिए जेबाई नहीं। आइए इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं आयत नंबर 34। सर एक चीज बोलने का था, वो नाम किस चीज के नाम सर, मतलब पूरे कायनात के अंदर मटेरियल्स। अच्छा, तो हर दुनिया की हर वो चीज के नाम, जो भी वजूद में अल्लाह सुभान व तआला तखलीक करे थे वो तमाम मटेरियल्स सबके नाम। तो आदम अलैहि सलाम बोल दिए, फरिश्ते नहीं बोल सके। देखो वो भी क्यों, फरिश्तों को क्यों पूछना पड़ा, क्योंकि फरिश्तों के सामने जब अल्लाह तआला ख्याल जाहिर करे थे कि मैं एक इंसान बनाना चाह रहा हूँ जमीन के लिए, खलीफा बनाना चाह रहा हूँ, तो लोग क्या बोले, क्यों बनाना चाह रहे हैं आप, जमीन पर फसाद बर्पा करा इसलिए, या खून रेजी करेगा इसलिए, हम है ना आपकी तस्बीह करने के वास्ते। तो अल्लाह ताला बोले नहीं, मैं जानता हूँ किस लिए बना रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम लोग नहीं जानते। अब ये था वो पूरा मामला। जी ठीक है, ठीक है। आयत नंबर 34। और जब हमने फरिश्तों को कहा तुम आदम को सजदा करो तो इबलीस के सिवाय इन्होंने सजदा किया, इसने इनकार किया और तकबर किया और वो काफिरों में से हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए बात पूरी आ गई, फरिश्तों के सामने इल्म की बुनियाद पर उनको हुक्म दिया गया कि तुम अब तुम्हारे से ज्यादा इल्म है इनको आदम अलैहि सलाम को, लिहाजा इनको सजदा करो। इल्म की बुनियाद पर फौखियत हासिल हुई इंसान को, और उसी बुनियाद पर अल्लाह सुभान व तआला फरिश्तों को हुक्म दिए कि तुम अब इनको सजदा करो, क्योंकि तुम अपने मनाजरे में हार गए हो, तुम ये एतराफ कर लियो कि तुम्हारे पास इल्म नहीं है, लिहाजा अब जिसके पास इल्म है अब तुम उनको सजदा करो। अब यहाँ पर
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, جب انہوں نے کہا فرشتوں سے کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس, تو سارے سجدہ کرے سوائے ابلیس. ابلیس دیکھیے جنات میں سے تھا اور وہ شیطان بنا. شیطان بن کر ابلیس کیوں ہوا؟ ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بالکل مایوس ہو گیا, کوئی اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. وہ اب توبہ بھی کرے گا, وہ ناک بھی رگڑے گا, وہ کچھ بھی کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی نہ دعا کو قبول کرنے والے, نہ توبہ کو قبول کرنے والے, کچھ نہیں. جو وقت تھا وہ گزر چکا, اب لہٰذا وہ مایوس ہو گیا. اب جو کچھ بھی میں کروں, میں کتنا بھی کچھ کروں, کچھ نہیں کر سکتا. لہٰذا جب کسی انسان کسی کو بھی جب یہ حقیقت اس پہ واضح ہو جاتی ہے کہ اب میرا مقدر تو یہی ہے, تو پھر وہ کیا کرتا؟ ریولٹ. چلیے میں ایسا ہی صحیح, جو چاہے کر لوں گا. اب یہ صفت پیدا ہو گئی شیطان کے اندر. اب یہ ابلیس, اب یہ پہلے جنات میں سے تھا, یہ فرشتوں میں کیسا گیا؟ یہاں پر بھی ایک سوال ہے, سمجھنے کی بات یہی ہے. سمجھنے کی بات کیا ہے؟ یہ بظاہر کیا ہے, اس کی جو تخلیق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے تھے جنات میں سے. اب یہ جنات میں عبادت کر اللہ اپنے عبادت سے اور اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر لیا تھا کہ یہ ایسا مقام حاصل کر لیا تھا, یہ فرشتوں کا معلم بنا دیے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. یہ کئی فرشتوں کو سبق دیا کرتا تھا. اس کا نام عزازیل تھا آسمانوں میں. عزازیل ایک جن تھا, عزازیل, اور اپنی ریاضت سے, اپنی عبادت سے اللہ کو اتنا راضی کر لیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معلم بنا دیا فرشتوں کا. اب یہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا, فرشتوں کے درمیان ہی اٹھتا بیٹھتا تھا, یہ تمام چیزیں چل رہی تھی. اب جب یہ سب کے ساتھ تھا موجود, جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیے تو انہیں انکار کر دیا فوری. اب انکار بھی کر دیا اور پھر بعد میں ہم آگے کئی جگہ پڑھتے رہے, پیچھے سواد میں پڑھ کے آ رہے ہیں, بولے کیوں, کیا ہوا, جس کو میں اپنے ہاتھ سے بنایا, جس کو میں حکم دیا سجدہ کرنے کا, آخر کیا وجہ بنی؟ تو بولے میں نہیں کرتا, میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں بہتر ہوں. انا خیر منہا, میں اس سے بہتر ہوں. وہ خلقتا ہوں من تین, وہ خلقتا ہوں من نار, ان کو تو آپ مٹی سے بنائے اور مجھے آگ سے بنائے, لہٰذا میں سپیریئر. یہ سپیریئر اور انفیریئر کا جب کمپلیکس شروع ہو جاتا, اس کے بعد ہی فساد برپا ہو جاتا. میں اعلی, میں کمتر. آج ہمارے درمیان بھی کیا ہے, ہم سب ایک آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے, پھر سیدوں کے درجے کیا ہم خود بنا لیے؟ کون دیے بھائی اختیار؟ سب ایک ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے سب. کوئی ہے کسی کے پاس فوقیت؟ کیا وہ ہریجن کوئی الگ ذات کا ہے؟ کیا کوئی گریجن الگ ذات کا ہے؟ یا وہ ایتھسٹ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں, کیا وہ الگ نسل کا ہے؟ یہ سب ایک ہی نسل کے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. پھر اس میں کہاں سے آیا اختلاف؟ کہاں سے ہم سپیریئر, کہاں سے انفیریئر ہو گئے؟ ہاں ہمیں سپیریئر ہے, اور ابھی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے, وہ تخوے کے اعتبار سے. جو جتنا زیادہ ڈریں گے اللہ سے, جو جتنا ڈر کر عمل کریں گے وہ بہتر ہے. خالی بولنے سے نہیں, دعوے کرنے سے نہیں ہے کہ میں بہتر ہوں. اس کے لیے ثابت کرنا ہوگا کہ ہمارے دل میں اللہ کے لیے خوف کتنا ہے اور اس خوف سے ہم کتنا عمل کرتے ہیں. یہ ہے فوقیت, یہ ہے انفرا, یہ کیا ہے ہماری اس میں ترجیحات میں سے, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو آگے بڑھانے کی, یہ ہے. دوسری اور کوئی وجہ نہیں ہے, ہم سب ایک ہی ہیں. اب یہاں پر بھی بولے, اب وہ ابلیس مایوس ہو گیا, مایوس ہو کر سجدہ نہیں کرا. فسجدوا للملائكة اسجدوا لآدم, فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر, اس نے تکبر کیا, وكان من الكافرين. ابا کا مطلب کیا ہے؟ وہ نافرمانی بھی کرا اور متوجہ بھی نہیں ہوا اور تکبر کا, وكان من الكافرين, اور وہ کافروں میں سے ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. دیکھیے جب یہ حالات پیش آ رہے تھے وہاں پر, ساری مخلوق ہے, جبرائیل علیہ السلام ہے, میکائیل علیہ السلام ہے, اسرافیل علیہ السلام ہے, اسرائیل علیہ السلام ہے, ادھر عزازیل ہے, ادھر فرشتے ہیں, اور انسان کی پہلی, سب سے پہلی ابتدا آدم علیہ السلام موجود ہے. ابھی بھی ہوا بھی نہیں ہے, رب ہے. رب کے سامنے جب جو مقام تھا, عزازیل کا جو مقام تھا,
जो फरिश्तों का जो मौलिम था, जो फरिश्तों को जो सबक सिखाया करता था, जब आनन फानन अल्लाह के एक नाफरमानी से वो इब्लीस मलऊन हो गया, तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मीकाएल अलैहिस्सलाम जारो खतार रोना शुरू कर। अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाए, क्या हो गया तुमको, क्यों रो रहे तुम? बोले अल्लाह, जैसा ये अब से कुछ देर पहले तक ये मुअल्लिम था, ये नहीं जानता था कि ये मलऊन होने वाला है, और हमको भी नहीं मालूम कि आने वाली जिंदगी हमारी कैसे होने वाली है, कि हमारा शुमार नाफरमानों में होने वाला है या नाफरमानी करने वालों में। उस खौफ से हम रो रहे हैं, उस खौफ से हम रो रहे हैं। अल्लाह, हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि कभी भी हमारा नाम मत तब्दील कीजिए, और कभी भी हमारी आपकी हुक्म अदल करने से हमको बचाइए। ये अहद होना भाई, ये अल्लाह ताला के सामने हम ये हमेशा अल्लाह से एक्सेप्ट करना कि अल्लाह हमको हमेशा कायम रखे, दीन हक पर कायम रखे। हम बाजार खुद नहीं रह सकते जब तक अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल, अल्लाह का फजल नहीं रहा, हम दीन पर इस्तेकामत नहीं दिखा सकते। तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम और मीकाएल अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल हुई कि ना नाम तब्दील किया जाएगा, ना ही उनका अंजाम तब्दील होगा, वो जैसा अल्लाह के पास मुकाम है वही मुकाम रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि वो देख रहे थे आनन फानन अजाजिल मौलिम इबलीस में तब्दील हो गया, अल्लाह की रहमतों से मायूस होकर धुतकार दिया गया, लानती हो गया, वो खौफ से रोने लगा। अल्लाह, हम नहीं जानते हमारा कल क्या अंजाम होने वाला है, कल हमारे साथ क्या वाकया पेश होने वाला है, कल ऐसी कौन सी चीज हमारे सामने बतौर आजमाइश आ जाएगी, हम उस तरफ हो जाएं। लिहाजा अल्लाह हमको बचा कर, ये दुआएं करते हैं। ये भी बड़ा सबक है इसके अंदर। अब यहाँ पर भी बात वही थी, सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, अबा वस्तकबरा, उन्हें तकब्बुर किया और मुंह मोड़ा, वो कान मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से हो गया। यहाँ तक चैप्टर पूरा वो हो गया। अब आगे पढ़िए आयत नंबर 35, 36, 37, बड़ी अहम है। 35 देखिए, वो खुलना याद है मुस्कुल 35, और हमने कहा ए आदम, तुम रहो और तुम्हारी बीवी जन्नत में, और तुम दोनों इसमें से खाओ जहां से चाहो इत्मीनान से, और ना खरीब जाना इस दरख्त के, वरना तुम हो जाओगे जालिमों में से। चलिए अब क्या है, पहले ही एक तय था कि मैं इंसान को बनाने वाला हूँ जानशीन जमीन के लिए। अब कुछ देर के लिए मनाजरा हुआ, और अल्लाह सुब्हान अल्लाह जब देखे आदम अलैहिस्सलाम को तनहा देखे, तो फिर उन्हीं की जान में से उनके लिए जोड़ा पैदा करे, और उनके लिए उनके शरीक हयात बना दिए, और उनका निकाह हुआ आपस में, अब एक दूसरे के साथ मियां बीवी। अब ये दोनों को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि देखिए वो खुलना या आदम उस्कुल, और अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया ऐ आदम अलैहिस्सलाम तुम यहाँ पर रहो, अंता वो ज़ौजुका, तुम और तुम्हारी बीवी, पहले तो एक थे, बाद में अल्लाह सुब्हान तआला जब उनकी तन्हाई, जब उनकी बेबसी, जब उनका वो देख रहे थे, तो फिर उनकी जान में से एक जोड़े को निकाले, उनकी नफ्स में से निकाल के, वो खलक मिन हा ज़ौजहा, जैसा कि सूरह निसा में आया था कि हमने बीवी बनाई उनकी जान में से, तो वैसे ही उनकी बीवी बनाए, और फिर दोनों को भी हुक्म हुआ अंता वो ज़ौजुका जन्नता वो कुला मिनहा रगदन हाइसो शीतमा, और यहां से जो कुछ भी चीजें मैसर है तुम्हारे लिए खाओ पियो इत्मीनान के साथ, रगदन शीतमा जो कुछ भी तुम्हारी मर्जी है, जहां से भी खाना चाहते हैं, कितना खाना चाहते हैं, खाओ पियो दोनों मजे से रहो इस घर के अंदर, जन्नत में रहो। और यहां पर उसके बाद रगदन हाइसो शीतमा वला तखरबा हाज़िही शजरता, और इस शजर के करीब मत जाना। एक क्या सोचिए आप, जन्नत में खाली 10-12 झाड़ते होंगे, या एक 15-20 झाड़ते होंगे, या 100 झाड़ते होंगे, लाखों करोड़ झाड़ते, उसमें से भी सिर्फ एक झाड़ की तरफ इशारा करके फरमाए कि इसके करीब में वला तखरबा हादी शजरता फतकून मिन अज़्ज़ालिमीन, अगर तुम इसके करीब जाओगे तो फिर जालिमों में तुम्हारा शुमार होगा। जालिम किसके कहते हैं, जालिम मारने वाले को नहीं, असल जालिम क्या है, हुक्मदिली, असल जुर्म क्या है, अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह का कहना नहीं मानना, अल्लाह के बताए रास्ते को छोड़ना और अपने मनमानी करना,
ये सबसे बड़ा जुल्म है। अगर आप ऐसा करेंगे कि झाड़ के करीब मत जाइए, अगर आप जाएंगे तो फिर जालिमों में से हो जाएंगे। यहां तक ये बात थी। अब आइए आयत नंबर 36। आयत नंबर 36, फिर शैतान ने इन दोनों को फुसलाया इससे, फिर इन्हें निकलवा दिया इस जगह से जहां वो थे, और हमने कहा तुम उतर जाओ, तुम्हारे बाज बाज के दुश्मन हैं, और तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना है और एक वक्त तक सामान्य जिंदगी है। अब यहां पर देखिए, फजल्लहुमा शैताना, फजल्लहुमा, हुमा का मतलब क्या है, मीम अलीफ जबर के साथ दोनों को मिलाकर, फिर दोनों को भी बहकाया शैतान ने, दोनों को भी, किसी एक को खाली आदम अलैहिस्सलाम को नहीं, या खाली आदम बीबी हवा को नहीं, दोनों को बहकाया हर जगह। हम इस सूरह आराफ में भी पढ़े, वखीर में खस्मे भी खाकर यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारा नासिहीन में से हूं। अल्लाह सुभान अल्लाह इसलिए मना करे हैं कि तुम्हारे को हमेशा की जिंदगी हासिल हो जाती, कभी भी मौत नहीं आती तुमको, इसलिए अल्लाह ताला मना करे हैं, वरना और कोई खास बात नहीं है झाड़ के। कई खस्मे खाया, कई यकीन दिलाया, खस्मे खा खा कर यकीन दिलाया और यकीन दिलाया कि इसके करीब जाने से कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि होगा ये, बल्कि सिर्फ यही होगा कि तुम जो इस दरख्त के करीब जाओगे तो फिर क्या होगा, हमेशा की जिंदगी तुमको हासिल हो जाएगी और तुमको कभी पर, तुम पर कभी मौत नहीं आएगी। लिहाजा तुम क्या करो, इस बेखौफ होकर इस खबर को झाड़ से फल खाओ, इसमें जाने आने की जरूरत नहीं है। इसलिए फजल्लहुमा शैताना, अब यहां पर फरमाया जा रहा है फजल्लहुमा शैताना का मतलब क्या है, दोनों को भी धोखा दिया, दोनों को भी गुमराह किया, किसी एक को नहीं बल्कि दोनों को भी गुमराह किया। फजल्लहुमा शैतानु अनहुमा अनहा उससे और उसके, फअखरजहुमा और फिर दोनों को भी निकाला, मकानु फीही वखुल्लह बितु बादुकुम लिबादिन, और फिर वहां से दोनों को भी निकालने का सबब बना दिया, दोनों को भी। जब नाफरमानी हो गई, जब अल्लाह ताला बता दिए, ताकीद करे कि मत खाओ, तो वो खाए, खाने के बाद क्या हुआ, दोनों को बहकाया और दोनों उसके बहकावे में आ गए। तो अखरजहुमा, फिर वहां से दोनों को निकाल दिया गया, मिम्मा काना फी, जहां वहां वो रहा करते थे, वो खुल्ला भी तू बाज़ुकुम ली बादिन अदुवन, अभी रब रे अल्लाह ताला अब तुम उतर जाओ यहां से, एक दूसरे के दुश्मन है। वहां से बात शुरू हो गई, अब तुम एक दूसरे के दुश्मन है, हालांकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला पहले ही जब नाफरमानी करा था शैतान, ताकीदन बता दिए थे कि देखो ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, कहीं ऐसा ना हो जाए, सूरह तहा में हम पढ़े थे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुमको जो नेमतें हासिल है यहां पर, वो तुम उसके लिए मशक्कत में पड़ जाओ दुनिया में जाकर। क्या क्या नेमत है, खाने के लिए है, पीने के लिए है, रहने के लिए साये है और पहनने के लिए कपड़े है। आज भी इंसान इन चार चीजों की ही कोशिश में खपा हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आज भी अल्लाह ताला वार्न कर दी थे सूरह तहा में, देखो अगर तुम मेरी बात नहीं मानेंगे, मेरी नसीहत नहीं मानेंगे, तो फिर इन चार चीजों में तुमको मशक्कत उठाना पड़ेगा। अब ये चार चीजों में मशक्कत उठा रहे हैं। 99% आबादी एक है जो अल्लाह ताला बहुत माल देती है, उनको फिक्र नहीं है और माल बनाने के चक्कर में है, लेकिन 99% लोग इसी इसमें गुमराह है कि फिर अल्लाह ताला के क्या है, पहनने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए। यहां पर भी अब यहां पर अल्लाह ताला फरमा दिए कि तुम जब मेरी नाफरमानी करे तो खुल ना भी, अब उतरो यहां से, बादुकुम ली बादिल अदुवन, अब तुम एक दूसरे के दुश्मन है। अब यहां पर फिर बता दे रहे, वो लकुम फिल अर्दी मुस्तकरुन, और तुम्हारे लिए हमेशा के लिए जमीन मर तमाम चीजें मुहैया कर दी गई है, वो लकुम फिल अर्दी मुस्तकरुन वो मताउन, तुम्हारे फायदे की चीजें, तुम्हारे रहने की चीजें, तुम्हारी सहूलत की चीजें, तुम्हारी तमाम चीजें वहां पर फराम कर दी गई है जमीन पर। अब यहां से उतरो, अब यहां पर तुम्हारा आबुदाना नहीं है, जाओ अपनी मेहनत करो, खाओ रहो, तमाम चीजें हैं असबाब पर बना दिए, अब मेहनत करो खाओ, अब ये है अब जमीन पर तुम्हारे लिए, मुस्तकर व मताउन इलाहीन, और एक मुद्दत के लिए। यहाँ एक खास बात है, हमेशा के लिए नहीं बोले, एक मुद्दत के, मुद्दत क्या है, जितनी उम्र हम जमीन में हमको दी गई है उतना ही हम फायदा उठा सकते हैं उन नेमतों का या उन तमाम चीजों का जो अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे लिए रखे हैं जमीन के अंदर। कितना फायदा उठा सकते हैं, हमारी मौत आने तक, हमेशा के लिए नहीं।
वो मताउन इलाही, यहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस लफ्ज को लाकर कंक्लूड कर दिए हैं कि देखो हमेशा के लिए नहीं रहना है, हमेशा परमानेंट तुम्हारी वहां पर वो नहीं है, यहाँ पर पीआर नहीं है, यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंसी नहीं है, मुस्तअदन यानी कि टेम्पररी। और फिर वो क्या है, उसमें तुम्हारे जो चीजें हैं जमीन पर रख दी, फराहम कर दी गई है, नेमतें भी कर रख दी गई है, अब जाओ उसको इस्तेमाल करो, जब तक तुम जिंदगी है तुम्हारी मताउन इलाहीन, उस जिंदगी उस मुद्दत के अंदर जो चाहे इस्तेमाल करो, अब यहां तक मताउन इलाहीन। अब आइए उसके अलावा आयत नंबर 37 जी। फिर आदम ने हासिल कर लिए अपने रब से कुछ कलमे, फिर इसने इसकी यानी आदम की तौबा कबूल की, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। अब सुमा देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब गलती हो गई आदम अलैहि सलाम से, ताकीद करने के बाद, हर चीज को बता देने के बाद, दुश्मन भी वाजे कर देने के बाद, फिर भी अब उसके बहकावे में उसके फुसलावे में आ गए और आकर अब हो गया गलती, जालिमों में से हो गए। फतअलका आदम रब्बी कलिमातिन, फिर उसके बाद अल्लाह अल्लाह सुबहान तआला से कुछ कलमे सीख लिए, जैसा कि अल्लाह तआला इल्म दिए थे, उन्हीं इल्म में से चंद कलमों को फिर आप दोहराने लगे। ऐसा था वो बात जगह पे बात आई है सूरह आराफ में, हम पढ़ चुके हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ये मुसलसिल दुआएं करते थे, एक बार से नहीं। रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ रब्बुल आलमीन हमने जुल्म किया अपनी जानों पर, व इन लम तग़फिर लना, अगर आप हमको नहीं बख्शेंगे, आप हमको नहीं माफ करेंगे, وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو یہ مسلسل متواتر طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو چند کلمے سیکھے تھے آپ آدم علیہ السلام، اس کا ورد کرتے تھے، روتے جاتے تھے اور پھر روتے جاتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں، فَتَوَلَّى آدَمُ رَبَّهُ كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ अब ये कबूल करने वाले, तौबा कबूल करने का मतलब क्या है कि आप क्या करें, ठीक है भाई तुम्हारी तौबा कबूल हुई, अब रोइए तो ये मत, लिहाजा आप जमीन पर जाइए, जाकर अपनी जिंदगी गुजारे, सजा नहीं भी वहां पर एक्सटेंड कर दिया गया है, टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिए, लेकिन जन्नत में नहीं, जमीन पर जाओ रहो, ये तौबा कबूल होने की एक निशानी। अब आइए उसके बाद खुल्ला हबी तुम इन्हा जमीया, अब आइए यहाँ सब आयत नंबर 38, हमने कहा तुम सब यहां से उतर जाओ बस जब तुम्हें मेरी तरफ से कोई हिदायत पहुंचे, सो जो चला मेरी आयत पर ना उन पर कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। चलिए अब यहां पर देखिए, अब उतर जाओ, अब तुम जा रहे हैं दुनिया में, जाने से पहले अल्लाह सुबहान व तआला हिदायत कर रहे हैं, किसी भी दुनिया में जाने से पहले, जैसा कि किसी और मुकाम को जाने से पहले हमारे वालिदैन हमारे घर से निकलकर किसी और मुकाम पर जाने से पहले हिदायत क्या क्या करते हैं, जरा सोच समझ कर बात करना, नए लोग रहते हैं, अनजान लोग रहते हैं, कहीं तुमको धोखा ना दे दे, कहीं तुमको फंस बहका ना दे, कहीं तुमको किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना करवा दे, लिहाजा जरा एहतियात से रहना। अब ये दुनिया में आ रहे हैं, नई जगह है, कुर आजम ना का फरिश्ते है, ना रब सामने है, ना रब की नेमतें सामने है, नई जगह है, जो कुछ भी करना है असबाब पर है, अपने बाजू से मेहनत करो, खाओ हर चीज तुम्हारे सामने है। अब यहाँ पर खोलना अभी तुम इना जमिया, अब तुम दोनों भी यहाँ से उतर जाओ, शैतान को इब्लिस को भी उतार दिया गया, आदम अलैहि सलाम को भी और हवाले बीबी हवा को भी वहां से उतार दिया गया। खोलना अभी तुम इना जमिया फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, अब यहाँ से असहमा फइम्मा, जब कभी भी मेरे पास से कोई हिदायत आएगी तुम्हारे पास, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, कि मेरी तरफ से जब हिदायत आएगी, फमन तबीया हुदाया, तो जो कोई भी इत्तेबा करेंगे मेरी हिदायत की, फमन तबीया हुदाया फला खौफुन अलैहिम, तो उन लोगों पर किसी भी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा। पहली चीज, अगर हिदायत के मुताबिक हम अमल करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारा खौफ दूर कर दे, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना ही तुमको कोई भी गम होगा। हमेशा खौफ और गम किसका रहता मालूम है, खौफ होता है माजी का, मुस्तकबिल का खौफ, क्या होता है कि क्या है कैसा होता है, गम
हमारे माजी का गम, काश के मैं ये करा होता तो अच्छा होता, काश के मैं ऐसी जिंदगी गुजारा तो अच्छा होता, ये माजी का भी गम भी नहीं रहेगा, मुस्तकबिल का खौफ भी नहीं रहेगा। ये क्यों? अगर अल्लाह की हिदायत के मुताबिक अमल करें तो अल्लाह, मैं तो आपके बताने के मुताबिक अमल करा, अब फिर ना किसी किस्म का ना माजी का खौफ, ना माजी का गम, ना मुस्तकबिल का खौफ, ये दो चीजें भी रफा हो जाएगी दुनिया में भी आखिरत में, क्योंकि वो नफ्स मुतमईन हो जाता, वो नफ्स इत्मीनान हासिल हो जाती है उसको कि अल्लाह मैं आपके कहने के मुताबिक अमल करा। जैसा कि पाकिस्तान के एक बड़े दानिशवर थे अशफाकुल्लाह खान साहब, वो आईएएस ऑफिसर भी थे, तो उनसे पूछा गया, फर्ज करो खान साहब अगर तुमको थोड़ी और लाइफ मिल जाए या कि नई जिंदगी दे दी जाए फिर ऐसी किस्म की, तो तुम कैसा गुजारेंगे? तो क्या बोले थे, जिस तरीके से मैं ये जिंदगी गुजारा, आने वाली जिंदगी में अगर मुझे मौका दिया तो ऐसे ही गुजारूंगा। क्यों? कि मैंने कोई काम गलत नहीं, अल्लाह के काम के मुताबिक ही गुजारा, अल्लाह की हुक्म के मुताबिक ही गुजारा। तो ये इत्मीनान होना, एक जिंदगी हो या सौ, मुमकिन नहीं है, मगर एक ही जिंदगी में अल्लाह के हिदायत के ताबे होकर जिंदगी गुजारना, तो ये इत्मीनान हासिल हो जाता। ऐसे और भी मिल जाए तो भी गुजारूंगा, ऐसे यही प्लान से गुजारूंगा, ऐसी तरीके से गुजारूंगा, अल्लाह ही की अल्लाह ही को वाहिद समझूंगा, अल्लाह ही की इबादत करूंगा, अल्लाह ही के अहकाम के मुताबिक अमल करने की कोशिश करूंगा, अल्लाह के दिए हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करूंगा, जमीन पर फसाद नहीं बर्पा करूंगा, हक व इंसाफ के साथ तमाम फैसले करूंगा। ये अजम इंसान को कामयाब बना सकता है, मगर हिदायत के मुताबिक अगर है तो माजी का ना गम है ना मुस्तकबिल का कोई खौफ है। अब आइए आयत नंबर 39-40। और जिन लोगों ने कुफूर किया और हमारी आयतों को झुठलाया वही दोजख वाले हैं, वो हमेशा इसमें रहेंगे। एक तरफ हिदायत करते खुद क्या अल्लाह ताला क्या बोले, आपको नसीहत करते खुद, जब मेरे पास से कोई किताब आएगी, किताब या हिदायत की आयतें आएंगी या रहनुमाई करने वाली आयतें आएंगी, तो फिर उसके ताबे हो जाना, कोई खौफ भी नहीं होगा, कोई गम भी नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर नहीं माने, उस पर अमल नहीं करे, उससे एराज करे, उसको ठुकरा दिए, उसे मुंह मोड़े, तो क्या वल्लज़ीन कफरू व कज़्ज़बू, और वो लोग जो कुफर किए और उसको झुठलाए, भी आयाती ना, जो कुछ भी हम भिजाए हमारी निशानियां आयाती ना, उलाइका साबुन नारी हुम फिया खालिदून, यही वो लोग हैं आग वाले और जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ये था पूरा मुकम्मल चैप्टर हमारा आयत नंबर 1-39 तक। तमीज के तौर पर पहले इब्तदा में तीनों सिफत के लोगों का जिक्र किया गया है, मोमिनीन का, काफिरीन का, फिर मुनाफिकीन। फिर उसके बाद अल्लाह सुभान व तआला आदम अलैहि सलाम के वाकिए के जरिए से हमारे असली दुश्मन की तरफ निशानदेही करते हुए बता दिए कि देखो ये दुश्मन है तुम्हारा, इसकी बात नहीं मान, और फिर नसीहत करते हुए ये फरमा दिए कि मेरे पास से जो भी हिदायत आएगी तुम उसके ताबे हो जाना, तुमको कोई खौफ भी नहीं होगा, कोई गम भी नहीं होगा, अगर नहीं तो फिर उलाइका साबुन नार, अल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो यही वो लोग है जो आग के ईंधन बनने वाले या आग वाले बनने वाले हैं, जिसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये थी पूरी बात है यहाँ तक। अब यहाँ से हमारा मौजू शुरू हो रहा, मौजू में देखिए आयत नंबर 40 से लेकर 121 तक, 121, इसमें यहूद को दावत भी है और उनकी तंबी भी। इस चीज में देखिए यहूद क्यों, अब यहूद का जिक्र क्यों आया? सबसे पहले हम सूरह फातिहा में क्या पढ़े, कुरान खोलते ही, गैरिल मखदूबी, अल्लाह उन लोगों का रास्ता मत चलाइए जिस पर आपका गजब हुआ। तो अल्लाह सुबहान व तआला यहाँ पर मखज़ूब कौन थे? अल्लाह सुबहान व तआला जो दावत, जो हमारे से पहले किताब दिए थे वो यहूद थे, मूसा अलैहि सलाम के जरिए से। तो फिर उनको नेमतें दिए, उनको अल्लाह सुबहान व तआला दावत भी दिए और उनको इनामात भी दिए, फिर उन नहीं मानने की वजह से फिर उनके ऊपर अल्लाह तआला का गज़ब भी। तो ये किताब खोलते ही हमको समझा रहे हैं कि देखो जरा अपने आप का
अपने आप का महासेवा करो, जायजा लो कि तुमसे पहले जिस उम्मत को किताब दी गई थी वो किस तरीके से नाफरमानी करे, वो किस तरीके से अल्लाह की आयतों की रुगर्दानी करे, वो अल्लाह ताला का नेमतों को हासिल करने के बाद किस तरीके से अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हो गए। तो वैसी तरीके से बता रहे हैं कि एक उम्मत तुमसे पहले तुमको जो दी दी गई तुम्हारे से पहले जो किताब दी गई थी उनको अल्लाह का गजब उनको हासिल हुआ। क्यों हुआ? अब हमारे को किताब दे रहे हैं, अब उनको हटाए, उनकी जगह हमको किताब दे रहे हैं। अगर हम नाफरमानी करेंगे, अगर हम नहीं मानेंगे तो अल्लाह की सुन्नत तो वही है जो उनके गैरिल मगदूब, जैसा उनके ऊपर अल्लाह का गजब हुआ हमारे ऊपर भी हो सकता है। यही बताना चाह रहे हैं, एक कंपैरेटिव स्टडी है यहां से कि हमारे से पहले जिस कौम को अल्लाह ताला दावत दिए थे, नेमतें बख्शे थे, नहीं मानने की वजह से, नाफरमानी करने से अल्लाह का गजब गैरिल मगदूब के मुस्तहिक हुए, तो हमारे को भी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए तुम भी अल्लाह के गजब के मुस्तहिक हो जाए। ये बातों को जहन में रखकर हम आगे का जो मौजू है आयत नंबर 40 से 121 तक, इसमें भी एक एक चीज मैं आपको बताते जाऊंगा आहिस्ता इंशाल्लाह कि तमाम चीजें आएगी। पहला बाब है समझे मौजू के अंदर का, चलिए इंशाल्लाह ताला यहां से पढ़ते हैं आयत नंबर 40। आयत नंबर 40 ए बनी इसराइल यानी औलादे याकूब, मेरी नेमत याद करो जो मैंने तुम्हें बख्शी और पूरा करो मेरा वादा, मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा, और मुझसे ही डरो और मुझ ही से डरो। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहे हैं, या बनी इसराइल अज़कुरु निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ऐ बनी इसराइल, बनी इसराइल का मतलब क्या है? इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लखब था, इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लखब था, और इसराइल के बेटे जो 12 बेटे थे बाद में जाके 12 कबीले बने, 12 कबीले जाकर फिर 12 कबीलों से फिर 12 12 बनकर 72 कबीले, 12 × 12 = 72। पहले याकूब अलैहिस्सलाम, उनसे 12 बेटे, 12 बेटे क्या करें, 12 अलग अलग कबीले बनाकर निकले मूसा अलैहिस्सलाम के जब साथ निकले तो 12 कबीले थे। अब बाद में आहिस्ता आहिस्ता हर कबीले में भी 12 12 गुरु हो गए, अब ये हर कबीले के अंदर 12 हर कबीले के अंदर 6 12 छके 72, हर कबीले में 6 लोग हो गए, इस तरीके से 72 पूरे फिरके बन गए। तो इस बात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जैसा कि उनके पास 72 हुए, हमारे पर एक बढ़कर 73 होंगे। 73 होने का मतलब क्या है? जब तक हम उसी तरीके से गफलत में लाशौरी तौर पर लोगों की सुनकर अमल करेंगे दीन पर, तो फिर कबीले बढ़ते ही जाएंगे। जिस कौम को, जिस उम्मत को अल्लाह सुबहाना व तआला पहला लफ्ज इखरा पढ़ो बोल कर दिए, वो कौम पढ़ने के बजाय इस्मा सुनने पर जब आ जाती तो फिर गुमराही यहीं से शुरू हो जाए। कोशिश कीजिए, हत्तल इम्कान कोशिश कीजिए पढ़ने की, समझने की, यही चीजें। अब यहां पर भी बोल रहे हैं या बनी इसराइल अज़कुरु निअमती अल्लती, ए बेटो इसराइल के याद करो मेरी नेमत को, इसराइल अज़कुरु निअमती अल्लती जो मैंने तुम पर की थी, अनअमतु अलैकुम जो मैंने तुम पर की थी, अनअमतु अलैकुम औफू वो औफू भी अहदी औफू भी अहदी को। तो सबसे बड़ी बात क्या है? मेरा अहद पूरा करो, मेरी बात को पूरे तरीके से निभाओ। औफू भी अहदी जो मेरे साथ तुम अहद करे कि अल्लाह हम आपका काम करेंगे, अल्लाह हम दीन को मुस्तकिल तौर पर अरेक के सामने पहुंचाएंगे। औफू भी अहदी औफू भी अहदी, तुम जो मुझसे वादा करे यानी कि रोजे मीसाख की तरह वादा। अब इनसे हम आगे जाकर पढ़ेंगे अल्लाह सुबहान तआला, एक वक्त ऐसा आया कोहे तूर का पूरा पहाड़ वखज़ मीसाख बनी इसराइल फौकहुम तूर खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन, पूरा पहाड़ इनके ऊपर मौल्लक उठाकर इनके इनसे एक अहद लिए कि देखो तुम अल्लाह की किताब को थाम लो, जो कुछ भी अल्लाह ताला हिदायतें दे रहे हैं उसके मुताबिक जिंदगी करो, और इसी के जरिए से लोगों के अंदर इंतजार करो। और ये अहद कैसा लिए थे? पहाड़ को पूरा फौखों को मुतूर पूरा उनके सरों पर मौल्लक उठाकर, नहीं मानेंगे पत्थर डाल दिया जाएगा। तो फिर उसमें क्या था? औफू बी अहदी औफू बी अहदी को याकूब, तुम मेरा वादा जो मुझसे करे वादा उसको पहले तुम पूरा करो,
फिर मैं भी तुम्हारे से जो वादा करा वो भी मैं पूरा करूं। दो बातें यहाँ पर पूरी आ रही, क्या रही देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहे अल्लाह ताला, मेरे साथ तुम जो अहद करे उसको पूरा करो, फिर मैं जो तुम्हारे साथ अहद कर रहा हूं उसको भी मैं पूरा करूंगा। अल्लाह ताला क्या करे मोमिनों के साथ अहद, अगर तुम मोमिन बनकर दुनिया में जिंदगी है, वही कुन तुम आलोना फिल अर्दी, क्या है वही कुन तुम मोमिना आलोना फिल अर्दी, तुम अगर मोमिन बनकर जिंदगी गुजारेंगे तो तुम ही सर बुलंद होकर जिंदगी गुजारोगे, तुमको ही इमामत दी जाएगी, तुम्हारे को इमामत दी जाएगी। ये अल्लाह ताला का अहद था। देखिए जो अल्लाह के अहकामात मानते हैं, जो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अमल करते हैं, अल्लाह ताला उनको मौका देते हैं कि जाओ अल्लाह के अहकामात किस सबके सामने प्रचार करो, सबके सामने अल्लाह की बात को लाओ। तो ये कब होता, जब अल्लाह से किए हुए वादे को कि अल्लाह हम आपका काम करेंगे तो फिर अल्लाह भी वादा पूरा करेंगे, हमारे साथ दुनिया में भी बेहतरीन मौका अता फरमाएंगे और आखिरत में जन्नतों से नवाजेंगे। अगर हम अल्लाह के किए हुए वादे को नहीं निभाएंगे तो फिर अल्लाह ताला भी नहीं निभाएंगे। बात सीधी आ रही है, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, यही बात फरमा रहे हैं, औफू बियादी को, तुम मेरे से किए हुए वादे को पूरा करो, फिर मैं भी तुम्हारे से किया हुआ वादा पूरा करूंगा। औफू बियादी को फैया या फरबून, और फिर मुझी से डरते रहो। खास बात है, मुझी से डरते रहो, किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों कि तुम, मैंने ही तुमको दुनिया में भेजाया, मैंने ही तुम्हारी तखलीक की है, मैंने ही तमाम चीजें तुम्हारे लिए मुहैया किया हूं, मैं ही तुम पर मौत तारी करूंगा और मैं ही तुमको दोबारा उठाऊंगा और फिर तुमको मेरे ही तरफ लौट कर आना है, तो फिर डर किसका, बीच में कहां से डर आ गया, किसका डर आया। निडर होकर जिंदगी गुजारो, जान तो इतनी जाने वाली, निडर होकर जिंदगी गुजारो, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारो। अगर उसके मुताबिक गुजारे तो कोई खौफ ही नहीं है, कोई गम भी नहीं है। अगर नहीं है तो फिर अल्लाह ताला मैं भी नहीं निभाऊंगा तुम्हारे अहद को। अब आइए आयत नंबर 41 जी अल्लाह भाई, इसमें जो और पूरा करो मेरा वादा, जो बोरे अल्लाह ताला मेरा वादा से क्या मुराद है, मेरा वादा यही वादा जो हम कर कर आए अल्लाह के पास है कि हम अल्लाह को रब माने। अल्लाह का जब मान लिया अल्लाह का, तो फिर अल्लाह के अहकाम हम पर फर्ज हो गए। अल्लाह ताला मेरा वादा पूरा करो बोले तो मेरा वादा यही ना भाई, तो जो मेरे से करके गए तो मेरे से वादा, जो मेरा वादा पूरा करो पहले। अच्छा अच्छा, अब आपकी कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो कंपनी क्या बोलती है आपको, पहले जो टर्म्स एंड कंडीशन मेरे साथ करे उसको पूरा करो, फिर मैं तुम्हारे साथ पूरा करती हूँ। अच्छा जी जी, है ना बात यही। तो यही है अहद, तो अल्लाह को जो रब माने हम वो अहद पूरा करो, वो अहद पूरा करो। और फिर दूसरी चीज क्या है, हम जाकर अल्लाह से, मैं बताया था ना सूरह अहज़ाब के उसमें आखिरी चैप्टर में जब हम उनको जब पढ़ेंगे, इंसानी जिंदगी का तीसरा फेस जो आसमानों में हुआ हमारे साथ, क्या हुआ था, अल्लाह सुबहान तआला जमीन को, आसमान को, पहाड़ों को और इंसान को जमा करे, सबको जमा कर पूछे कि मेरा काम करना कौन करेंगे। जमीन इनकार कर दी, पहाड़ इनकार कर दिया, आसमान भी इनकार कर दिया। इंसान पूछा अल्लाह ताला क्या मिलने वाला है, इसका नेमत क्या है, बोले मेरा खुर्ब हासिल हो जाएगा, तो ठीक है मैं उठा लेता हूँ। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, वो जालिम भी था, जाहिल भी था, लेकिन उठा लिया। अब वो जो अहद उठाया कि अल्लाह मैं आपका काम करूंगा, काम क्या था, तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, अच्छे बातों का हुक्म करूंगा, बुरे बातों से रोकूंगा। अब वहां पर अल्लाह ताला क्या करे, एक बात हम जब अल्लाह से अहद करें कि अल्लाह हम आपका काम करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला जिस जो भी अहद कर आए थे उनको मोमिनों के घर में पैदा करे, मुसलमान घर में पैदा करे, अल्लाह अपना वादा पूरा कर दिए। अब हमको अपना वादा पूरा करना है, अगर हम पूरा नहीं कर रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला का जो वादा है और एक जो जन्नतें देने का, दुनिया में बेहतरीन जिंदगी देने का, वो अल्लाह ताला पूरा नहीं करने वाले हैं हमसे, ये बताना चाहते हैं। बात क्लियर है जी? जी जज़ाकअल्लाह। आयत नंबर 41 और इस पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया, इसकी तस्दीक करने वाला जो तुम्हारे पास है, एक मिनट, और इस पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया, इसकी तस्दीक करने वाला जो तुम्हारे पास है, और इसके पहले काफिर ना हो जाओ, और मेरी आयत के इवज थोड़ी कीमत ना लो, और मुझे डरो। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये
पहले से अल्लाह सुब्हान तआला बनी इसराइल से जो अहद ले रहे थे वो अहद क्या क्या था, वो आमिनु बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, कि तुम ईमान लाओ जो कुछ भी मैंने नाजिल किया है तुम्हारे पर, मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, और वो तमाम चीजें क्या है जो पहले से तुम्हारे पास मौजूद थी उसकी तस्दीक करती हुई किताब है, कोई नए अहकाम नहीं है जो पहले से तुम्हारे पास मौजूद है, फिर अगर उसके मुताबिक और आएंगे तुम्हारे पास तो फिर उस पर भी ईमान लाओ। वो आमिनु बिमा अंज़लतु, जो कुछ भी नाजिल किया मैंने तुम्हारी तरफ उस पर ईमान लाओ, मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, और जो चीज तुम्हारे पास मौजूद थी उसकी तस्दीक करते हुए जो बात आएगी वो, वला तकुनु अव्वला काफिरिन भी, और हरगिज पहले पहल कर काफिरों में से मत हो जाओ। देखो जांचो पहले के सबक में क्या था, पहले की हिदायतें क्या थी, पहले अल्लाह ताला के पास से क्या वही आई थी, फिर दूसरी वही कैसी आ रही है, दोनों को तस्दीक कर उस पे ईमान लाओ, और पहले से पहले कुफर करने के लिए कोशिश मत करो, यानी कि हम नहीं मानते हम वो नहीं करते, ऐसा हरगिज मत करो। तस्दीक करो जो मैं उतार रहा हूं तुम्हारे पास, जो पहले तुम्हारे पास मौजूद है, दोनों को कंपेयर करो, फिर उसके मुताबिक ईमान लाओ, और फिर उसे तस्दीक कर लो, उस पर कायम हो जाओ। वला तकुनु अव्वला काफिर भी, और हरगिज कुफर मत किया करो, पहले पहल बनकर कुफर मत करो। अव्वला काफिर भी, वला तश्तरू बि आयातिल्लाहि समानन खलीला, और फिर मेरी आयतों को चंद रूपों के अवस, वला तश्तरू बि आयातिल्लाहि समानन खलीला, और मेरी आयतों को थोड़ी सी कीमत पर मत बेचो लोगों को। अब क्या करते थे उलमाए दीन, ये जो बड़े बड़े उलमाए दीन, क्या हुआ मालूम है, वो ये दीन को हमेशा नुकसान किससे पहुंचा, उलमा से पहुंचा, आम लोगों से नहीं पहुंचा, उलमाओं से पहुंचा। उलमा क्या करें, आधी आधी बातें बताए, आधी आधी बातें रोक लिए, सही तरीके से ना उनको समझाए ना उनकी इसलाह करे, थोड़ी थोड़ी बातें समझा दिए, थोड़ी सी कीमत की खातिर, थोड़े से रुतबों के खातिर, थोड़े से दर्जों की खातिर अल्लाह ताला की आयतों को बेचना शुरू कर। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं ये बातें, ये बनी इसराइल की तमाम बातें हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे को फरमा रहे हैं तुम्हारे से पहले जो किताब दी गई थी उनसे ये अहद लिया गया था कि अल्लाह की जो किताब नाजिल कर रहे आयतें उसकी तस्दीक करो, और जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है उसकी तस्दीक करो, और पहले पहले कुफ्र मत करो, और फिर अल्लाह की आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमत पर मत बेचो। वला तश्तरु बि आयातिल्लाहि समानन खलीला वइय्याय फत्तखून, और फिर उसी से डरते रहो। आइए आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह, आयत नंबर 42। जी 42, और ना मिलाओ हक को बातिल से, और हक को ना छुपाओ जबकि तुम जानते हो। यहाँ पर क्या है बात, बिल्कुल क्या बोल रहे, वला तलबिसुल हक बिल बातिल, हक एक अलग चीज है बातिल एक अलग चीज है, दोनों को मिलाकर पेश मत करो। दोनों को मिलाकर पेश करेंगे नहीं फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे थोड़ा इधर थोड़ा उधर, तो क्या होता, दोनों भी मुशबा हो जाते, दोनों के अंदर भी क्या होता, इख्तलाफ पैदा होकर वो हक हक भी बाकी नहीं रहता, बातिल बातिल भी बाकी नहीं रहता, मिला जुला एक नया बीच का रास्ता निकल जाता। तो वला तलबिसुल हक बिल बातिल, तो फिर क्या करो, हक और बातिल को एक जगह मत करो। वला तक्तुमुल हक, और हक को मत छुपाओ, पहले तो मत मिलाओ हक और बातिल को एक जगह, फिर हक को मत छुपाओ। वो अंतुम तालमून, और जानते बूझते, जबकि तुमको मालूम है ये हक है, जबकि तुमको मालूम है ये अल्लाह की तरफ से उतारी गई है, तो फिर इसको हरगिज मत छुपाओ, और ना क्या है बातिल के साथ मिलाकर इसको पेश करो। दो चीजें यहां पर आ गई आयत नंबर 42 में। अब उसके बाद 43, और तुम खायम करो नमाज और जकात, और तुम खायम करो नमाज और अदा करो जकात, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। अब ये जो अहद लिए थे अल्लाह ताला, इन्हीं बातों में अहद लिए थे, क्या थी, सबसे पहले कि जो कुछ भी उतारा जा रहा तुम्हारी तरफ उसके पास उसकी तस्दीक कर लो और कुफर मत करो, और फिर क्या बोले थे उसके बाद, वला तकुन वला काफिर भी, वला तश्तरु बि आयातिल्लाहि समानन खलीला, और थोड़ी सी कीमत पर अल्लाह ताला की आयतें मत बेचो। वाकिमुस्सलात, उनको भी यही हुक्म था, उनसे भी अहद यही लिए थे, हमारे से जो अहद ले रहे हैं, जो हमारे पास अल्लाह ताला क्या करे, जो किताबें नाजिल करे, वो आमिनु बिमा अंज़लतु, हमारे पास जो कुरान आई उससे
वो और जो पहले किताब थी मौजूद उसकी भी तस्दीक कर लो, और फिर साथ में क्या करो, बोला तकुन हो बोला काफिर भी, और काफिरों में पहले के पहले काफिर मत बन जाओ। और उसके बाद फरमा रहे हैं वला तश्तरू भी आयाती लाही समान खिला, और अल्लाह तला की आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमत के बस मत बेचो। वला तलबिसुल हक बिल बातिल, अहद यही ले रहे अल्लाह तला, और हक और बातिल को मिला मत मिलाओ, और हक को मत छुपाओ। और उसके बाद फरमाने मान तुम तालमन, जानते बूझते। अब आखिर में वकीमुस सलात, नमाज हम पहले नहीं है, हमारे से पहले जो उम्मतें गुजरी उन्हीं के ऊपर भी नमाज को कायम करने का हुक्म था। वातु ज़कात, और ज़कात को भी कायम करने का, ज़कात भी अदा करने का हुक्म था। हम पहले लोग नहीं है, जितने भी लोग दुनिया में आए उन सबको सब अल्लाह ताला अपने अंबियाओं के जरिए से यही हुक्म दिए, वकीमुस सलात वातु ज़कात। और उसके बाद वरकऊ मअर राकीन, और रुकू करते रहो रुकू करने वालों के साथ मिलकर, रुकू रुकू करते रहो रुकू करने वालों के साथ मिलकर रुकू करते रहो, ये था उनसे अहद लिए थे। और अगर ये अहद पूरा करेंगे तो फिर अल्लाह ताला भी अहद जो पूरा करने वाले हैं वो जन्नत अता करेंगे, आखिर दुनिया में भी अच्छी जिंदगी देंगे, आखिरत में भी जन्नत अता फरमाएंगे, ये बात है। उसके बाद अब आइए आयत नंबर 44, बड़ी अहम आयत है, इसको अंडरलाइन करते हुए पढ़ेंगे आगे। जी अतामुरून अन्नास 44, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम पढ़ते हो किताब, क्या फिर तुम समझते नहीं? अब यहाँ पर देखिए, अतामुरून अन्नास बिल बिर व तंसानु अन्फुसकुम, तुम लोगों को तो अच्छे अच्छे बातों का हुक्म देते हो और जब अमल की बारी आती तो अपनी जान को भूल जाते हैं, क्या पूछ रहे हैं। हमारे पास बहुत आम हो गया है सामने वाले को नुक्ताचीनी करना, उनके ऐब निकालना, उनके अंदर की तमाम चीजों को टटोलना। भाई हमारे यहाँ जिम्मेदारी नहीं है महासभा करने के लिए, नहीं भेजा अल्लाह था, आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करते रहिए, खा कोई देखे ना देखे। और फिर जब किसी को भी हुक्म दे रहे हैं भलाई का तो पहले ये कोशिश करो कि आप उसके पाबंद है या नहीं, आप खुद उसके पाबंद नहीं है, लोगों को हुक्म दे रहे हैं तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अतामुरून अन्नास, क्या तुम लोगों को इस बात का हुक्म देते हैं कि अच्छे काम करो, वो तंसाउन अनफुसकुम, और तुम अपने आप को भूल जाते हो। ये अल्लाह के नजदीक बड़ा कबूरा मख्तर इंदल्लाह इन तकूलू माला तालमून माला तालमून, यानी कि अल्लाह के नजदीक सबसे बुरी बात वही है कि वो कहे और उस पर अमल ना करे। कबूरा मख्तर इंदल्लाह इन तकूलू माला ता माला तफलू, कह रहे हैं मगर अमल नहीं कर रहे, अल्लाह के नजदीक सबसे बुरी बात है। वो इसी तरीके से यहाँ पर फरमा रहे हैं क्या तुम लोगों को हुक्म देते हो अच्छी बातों का और खुद भूल जाते हैं, अब उसे क्या होता, ना असर होता ना आपकी बात मानी जाती, इस तरीके से थोड़े थोड़े दिनों के बाद फिर गुमराही गुमराही फैलते जाती। तो लिहाजा अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि देखो हम तुमसे अहद लिए थे इन बातों में, वो अहद को पूरा करो, और जब किसी को भी ताकीद कर रहे हैं या किसको भी नसीहत कर रहे हैं पहले देखो तुम उस पर कितने पाबंद है, उस पर कितना अमल करने वाले हैं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदनी दौर में, यही दौर में एक साहबी आकर अपने लड़के को लाकर बोले सल्लम ये ज्यादा मीठा खाते हैं, आप जरा इसको ताकीद कीजिए, इसके सेहत के लिए मुजीर है। तो बोले आप 3 दिन के बाद आइए। जब 3 दिन के बाद वो खातून अपने बच्चे को लेकर आई तो फिर नबी सल्लम फरमाए कि देखो बेटा मीठा जरा कम खाया कर। औरत को हैरत और ताज्जुब इस बात का हुआ, बोले ये अल्लाह के रसूल ये बात आप उस दिन भी बोल सकते, 3 दिन का वक्त जो लिए हैं आप, इसमें क्या हिकमत मेरे समझ में नहीं। तो बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जितना भी मीठा खाता था उसको कम कर कर फिर बच्चे को नसीहत कर रहा हूं कि देखो मीठा मत खाओ मीठा खाने से। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हम किसी को नसीहत कर रहे हैं, जो भी बात किसी भलाई बात का हुक्म दे रहे हैं, पहले अपने आप को देखो कि हम उस पर कितने पाबंद हैं, नहीं तो फिर इस आयत के अंदर जो कहा जा रहा है अतअमुरून अन्नास बिलबिर, क्या तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म देते वो तंसौन अन्फुसकुम, और अपनी जान को भूल जाते हैं, ये बहुत बुरा है अल्लाह के नजदीक। अब उसके बाद फरमा रहे बिलबिर तंसौन अन्फुसकुम वअन्तुम ततरून अलकिताब, हालांकि तुम जानते बूझते हो किताब को पढ़ते हो तुम, किताब में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि खाली किसी को भी हुक्म दे दो, किताब में तो क्या है आमनु आमिलु सालिह वज़बिर अला मा यकुरुना वहजुरु हजरन जमीला, सबर करो
और एहतियात के साथ लोगों के साथ हट जाओ। हर चीज के लिए अल्लाह सुब्हान तआला बताए, इत्फा बिल्लती ही आसन, हर चीज के बारे में अल्लाह सुब्हान तआला बताए हैं। तो लिहाजा कोई भी किसी को नसीहत करने से पहले उसको देख लो कि हम उस पर कितने पाबंद हैं, नहीं तो अल्लाह तआला फरमा रहे तुम जानते बूझते किताब भी पढ़ते हो सब कुछ करते हो भी तुम ऐसे अमल करते हो, ये जेबा नहीं देता तुम्हारे लिए, ऐसा मत करो। अब ये हमको बताया जा रहा है कि पहले के लोग ऐसा कर क्या करते थे जिसकी वजह से वो गैरिल मखदूब हो गए। अब हमको कहा जा रहा है क्योंकि अब हमारे हाथ में किताब, अब हम इसके रिप्रेजेंटेटिव है, अब हमारे जिम्मे है ये काम फैलाना और हमारे जिम्मे है अल्लाह के अहद को पूरा करना और उसके मुताबिक अमल करना। तो लिहाजा जो माजी की कौम जो नाफरमानी करी, तुम भी उसे नाफरमान मत हो जाओ वरना फिर अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हो जाओगे, ये बात बताई गई है। किताब अफरा ताखिलून, क्या तुमको अकल नहीं है, जरा अकल से ढंग से काम करो, तुमको समझ में आ जाएगी बात। अब आके आगे पढ़िए, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, आयत नंबर 45। और तुम मदद हासिल करो सब्र और नमाज से, और वो बड़ी दुश्वार है मगर आजिजी करने वालों पर नहीं। अब अल्लाह ताला क्या फरमाने, देखो ये पूरे अहद ले रहे हैं, जो माजी में पिछली कौम से जो अहद लिए थे वो इन बातों पर अहद था, अब अहद क्या है, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, कि तुम मदद मांगो सब्र के जरिए से और नमाज के जरिए से, सब्र के जरिए से नमाज के जरिए से मदद मांगो, बिस्सब्री वस्सलात, वा इन्नहा लकबीरतुन इल्ला लिल खाशिरीन, और ये उन लोगों के लिए गिरा नहीं है जो खशियत से जिंदगी गुजारते हैं, वो जो डरते हुए जिंदगी गुजारते हैं, जो अल्लाह के अहकामात को मानते हैं अमल करते हैं, उनके लिए गिरा नहीं है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है सब्र करना या नमाज के जरिए से मदद मांगना, उनके लिए नहीं है। लेकिन जो निडर है, जो अल्लाह की आयतों को नहीं मानते, जो नाफरमानी करते हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं, मगर जो डरते हैं उनके लिए कोई तकलीफ दे बात नहीं है सब्र करना या नमाज पढ़कर अल्लाह के जरिए से मदद मांगना। ये था पूरे अहद जो हम पढ़ते आ रहे हैं यहाँ पर। अब उसके बाद आगे देखिए आयत, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, वा इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन, और ये कोई बड़ी बात नहीं है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं, जो नहीं डरते उनके लिए बहुत बड़ी बात है। कैसे सब्र करना, कहाँ तक सब्र करने का, कब तक सब्र करना, अरे भाई इन्नल्लाह मा सबी, सब्र करने की नेमतें जब हम आगे जाके पढ़ेंगे अल्लाह की तरफ से, अल्लाह जो बताए हैं कि फिर इंसान सब कुछ छोड़कर सब्र करने पर राजी हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे पढ़ेंगे हम, वक्त के साथ बताऊंगा, हमें पांचवें रुकू में बताएगी, दूसरे पारे के पांचवें रुकू में। अब आइए इंशाल्लाह, इल्ला अल खाशिन अल्लज़ीना यज़ुनून अन्नहुम लाहु रब्बी, चलिए भाई नंबर 46। वो जो यकीन रखते हैं कि वो अपने रब के रूबरू होने वाले हैं और ये कि वो इसकी तरफ लौटने वाले हैं। तो पूरा ये की मज़मून था दो दो आयतों का। हाँ, सिर्फ अभी ये लास्ट बात आ रही है। अब वो खाशीन कौन है, अल्लाह सुभान तआला सब सुना रहे हैं, वो खाशीन कौन है, अल्लज़ीना यज़ुनूना अन्नहुम लाहु रब्बिहिम, वो लोग जिसको यकीनी तौर पर अल्लाह से मुलाकात का यकीन है, उनको सब्र आ जाता, वो लोग मदद मांगते हैं नमाज के जरिए से। ये लोग लकबीरा तो इल्ला अल खाशीन बोलेगा, उनके लिए गिरा नहीं गुजरती या उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है जो अल्लाह से डरते हैं, तो फिर सब्र उनको आ ही जाता है, उन लोगों को अल्लज़ीना यज़ुनूना अन्नहुम लाहु रब्बिहिम, जिनको ये यकीनी तौर पर यह गुमान है कि अल्लाह से उनकी मुलाकात होने वाली है, जिस चीज पर वो सब्र किए हैं उसका बदला उसका अजर अल्लाह के पास महफूज है। ये जब दिल में बात आ जाती कि मैं सब्र किस लिए कर रहा हूं और सब्र किसकी खातिर कर रहा हूं, वस्बिर अल्लाह, अल्लाह के लिए, वस्बिर अल्लाह, अल्लाह के लिए सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के पास दर्जे हैं। जब ये लोग जिसको यकीन है कि अल्लाह से जब मुलाकात होगी तो फिर मेरे रब मेरे तमाम सब्र का बदला मुझे अता करेंगे, तो फिर वो सब्र की तरफ जाएंगे, सब्र को हासिल करने की कोशिश करेंगे, सब्र पर कायम रहने की कोशिश करेंगे, चाहे कितनी भी तकलीफें पहुंचे कितनी भी नुकसानात हो जाए सब्र का दामन नहीं छोड़ेंगे। उनको यकीन हो जाएगा कि अल्लाह से मुलाकात है और मैं जिस चीज पर सब्र कर रहा हूं मेरे रब की ये खुवत ये कुदरत है कि उस दिन मुझे इसका बेहतरीन अजर देंगे। ये पहली चीज, अल्लज़ीना यज़ुनूना अन्नहुम लाहु रब्बिहिम वअन्नहुम इलैहि राजिऊन,
और उनको इस बात का भी यकीन है कि वो अल्लाह ही की तरफ पलटने वाले हैं, कहीं और जाना तो नहीं है हमारे को, कहीं और ठिकाना नहीं है, कहीं और हमारी मंजिल नहीं है, लौटना भी अल्लाह के पास है। जब अल्लाह के पास है तो यकीनन सब्र का बदला मेरे रब हमको खूब देंगे। ये दो चीजें अगर जब हमारे दिल में यकीन से आ जाएगी, यकीन ही ईमान के दर्जों को बुलंद करती। तो यही है वो जो अहद था, जो अहद पूरा बनी इसराइल से लिए। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, औफू बियादी, औफू बियादी को, तुम मेरे से जो किए हुए अहद को पूरा करो। ये अहद था, ये अहदनामा था पूरा जो बनी इसराइल से लिया गया, और यही अहदनामा हमसे भी लिया जा रहा है कि देखो हम इन बातों पे अहद लिए थे उस कौम से, वो नाफरमानी करी, वो हमारी आयतों की रोगर्दानी करी, तो हम क्या करें, हम गैर मग़ज़ूब, उन पर अल्लाह का ग़ज़ब। अगर हम इन्हीं बातें हैं ना, यही बातें हैं हमारे सामने, यही अहद है हमारे सामने, अगर यही सब कुछ करने के बाद फिर अगर अल्लाह की अहकामात के बारे में रोगर्दानी करे या अल्लाह की आयतों के खिलाफ काम करे, तो फिर जैसा वो कौम मुस्तहिक हुई थी गजब के, हम भी यकीनी तौर पर उसी गजब के मुस्तहिक हो जाएंगे। अल्लाह सुभान व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुभान व तआला हम सबको महफूज रखे अल्लाह के गजब से, और अल्लाह से जो अहद पूरा करें, अल्लाह से जो अहद करें, अल्लाह वो अहद को हम पूरा करने वाले बन जाए। यही दुआ के साथ यहाँ तक हम बात को मुकम्मल करते हैं। नेक्स्ट क्लास में दूसरे रुकू से हम पढ़ लें, या बनी इसराइल शुरू, उसके बाद का रुकू है, चौथा रुकू है, पांचवा रुकू, छठवा रुकू है ये इंशाल्लाह ताला। हाँ छठवा रुकू है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह पांच रुकू मुकम्मल हो गए यहाँ पर। सदकल्लाहु अज़ीम वमा अलैना इल्ला अल-बलाग़, यही वो बातें थी, चंद बातें जो आपके सामने पहुंचाने की पहुंचा दी गई है। अगर कोई सवाल आते हैं कोई, तो फिर सवाल कर लीजिए, इंशाल्लाह जवाब दे दिए जाएंगे, फिर उसके बाद वो कर ली जाएंगे। भैया सूरह बकरा के पहले रुकू में जो छह बातें आई कि जो लोग कामयाब होंगे या जो लोग फला पाने वाले होंगे, छह पॉइंट जो गिनाए थे लास्ट क्लास में, अल्लज़ीन यूमिनून बिल-ग़ैब यूक़ीमून अस-सलात वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून। जी जी, तो इसमें जो वही नमाज का, नमाज कायम करने का और ज़कात अदा करने का हुक्म है, तो इससे पहले नमाज का हुक्म मतलब यहीं पर आया, मतलब यहीं पर जो है नमाज कायम करो बोलकर आया? नहीं, पहले से था ना। जी नहीं, मतलब चूंकि ये मशहूर है ना सबके, मदीनी दौर में जो है अहकामात शुरू हुए बोलकर, तो चूंकि हमारी अब दूसरी सूरत है मदीनी की, तो इससे पहले तो पहले की सूरत में तो नहीं आया नमाज कायम करो बोलकर, है ना? बनी इसराइल से पढ़े ना हम, दस सुबह शाम नमाज पढ़ो बोल के पढ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा अच्छा जी, सुबह शाम की नमाजें थी, फिर दस नबवी में क्या हुआ, दस नबवी में हमारे सामने क्या हुआ, बनी इसराइल के बाद मैंने मेराज में जाने के बाद पांच नमाजें हो गई। अच्छा, वो यहाँ पर आकर इम्प्लीमेंट हुई मदीने में आने के बाद। हाँ, खायम करने मतलब खायम करना, खायम करने के बाद मस्जिद बनाना, अजान देना, बाजमात नमाज पढ़ाना, यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ से शुरू हुआ जी, पहली मस्जिद जो बनी रास्ते में। जी हाँ जी, ठीक है। सर आप बोले कि वो मनाजरा जो हुआ फरिश्तों के और आदम अलैहि सलाम के बीच में, तो आदम अलैहि सलाम को अल्लाह सुब्हानहु तआला पैदाइश तख्लीक करने के बाद में सिखा दिए, फरिश्ते नहीं थे जब सामने। ये हुआ क्या मालूम है, जब जब आदम अलैहि सलाम पहले मौजूद नहीं थे, अपना जब ख्याल जाहिर करे तो फरिश्ते बोले कि बना रहे जी, ये जमीन में फसाद बरपा करेंगे, खून रेजी करेंगे, तो जब आदम अलैहि सलाम मौजूद नहीं थे, जब बाद में अल्लाह सुब्हानहु तआला तमाम चीजों का इल्म आदम अलैहि सलाम को सिखाया, उस वक्त पे फरिश्ते मौजूद नहीं थे। जी, क्योंकि अब ये लोग क्या दावा करेंगे, भाई हम जानते हैं इस इंसान के बारे में, तो अल्लाह तआला क्या बोले, खाला इन्नी आलमु माला तालमुन, मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, अगर तुम वाकई जानते हैं तो फिर आओ। ये थी बात असल। सर ये अब सूरह बकरा के शुरू में रिश्तेदारी काटने का जो वो आया हुकुम, रिश्तेदारी जोड़ना बोल के, तो हमारे खानदानों में कुछ ऐसे रिश्तेदार भी रहते हैं जो खानदान में है वो, हाँ, जो फसादी रहते हैं और जो है जो फूट डालने का काम करते, इनके साथ भोजनों बोलते हैं जो है अलायदगी अख्तियार कर लिया तो बेहतर होते,
तो इस मामले में हमारा क्या रवैया रहना है एज ए मोमिन? देखो हम सूरह हामिम सजदा में क्या है, इदफा बिल्लती ही या असल फैजल लदी बहना का बहना हूँ अदावत उन कान न हूँ वली उन हबीब। अगर तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है, अगर तुम्हारे को सता रहे हैं, तुम्हारे को तकलीफें पहुंचा रहे हैं, तुम उसके अवज में बेहतरीन सुलूक करो उनके साथ। जी अगर बेहतरीन सुलूक करेंगे कान न हूँ वली उन हमीम, तो फिर वो क्या होंगे, गहरे दोस्त की तरह बन जाएंगे तुम्हारे। देखिए नफरतें नफरतों से खत्म नहीं होती, जी नफरतें मोहब्बत से खत्म होती, अदावतें सखावत से खत्म होती, दुश्मनियां सखावत करो आप, उनके हक में दुआ करो, उनके सामने करो, उनके वो कर कर करो। हाँ नबी सलाम को नहीं सताए, उनके रिश्तेदारी थे ना, पूरे कुंभे के लोग ही थे ना, कहीं बाहर से आके लोग सताए थे उनको नहीं। ये आज हमारे पास जान बूझ कर क्या है, एक फैमिली सिस्टम है हमारे पास इस वक्त अब एशिया के अंदर, इसको काट देना चाहते हैं, इसको तोड़कर अलग अलहदा अलहदा कर देना चाहते हैं। ये फैमिली सिस्टम से अगर हम निकल जाएंगे तो फिर हम तितर बितर हो जाएंगे, याद रखो तितर बितर समझते हैं ना, बिल्कुल इधर होते जी। तो ये साजिश को समझो कि कौन कर रहा है ये साजिश हमारे साथ, है भाई दुश्मनी है। अब ऐसे बातें समझाते लोग ऐसा कि भाई तुम भी ऐसा करो, कोई क्यों भाई, अल्लाह का हुक्म है या इन लोग कोई बड़े वो है फैसले करने वाले कि ऐसे लोगों के साथ अलहदा हो जाइए। अलहदा किसी के साथ नहीं होना है। मैं खिते रहमी बोला आपको, खिते रहमी का मतलब क्या है, एक माँ से पैदा होने वाले बच्चों के दरमियान भी इख्तलाफात है, आप बात नहीं करते, मगर हर मामले को रुजू कर लेना चाहिए अल्लाह के लिए। अल्लज़ीना यज़ुनुना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, जिसको ये गुमान है कि अल्लाह से मुलाकात मेरी होने वाली है, तो वो कामों पे सबर करते हैं, वो रहना था। खाली सबर नहीं आता किसी को भी, सबर के लिए क्या होना पड़ता, पहले यकीन, अल्लाह से मुलाकात का यकीन कि मैं फिर अल्लाह की बात पर सबर कर रहा हूँ, फिर अल्लाह मेरे अजर भी देंगे। तो ये जब यकीन हमारे अंदर आ जाएगा तो फिर सबर भी खुद ब खुद आ जाएगा। मैं देखा सर के मतलब मिलेगी झगड़ा होता, मिलेगी जो है, अब क्या समझ रहे ना, बिल्कुल बहुत समझ रहे भाई, देखते मुंह पे थूक देते। हाँ देखते ही मुंह पे थूक देते। हाँ कर देखे आप, उतना बुरा तो नहीं है लेकिन खरीद खरीद तो बुरा है, मैं बोल नहीं सकता हूँ इससे बुरा है, मैं देखा जी। सबर कीजिए तो, कोशिश कीजिए सबर करने की कोशिश कीजिए, अल्लाह के खातिर छोड़िए। जब देखिएगा जब हर चीज को माफ करने पर आ जाते हैं ना, और अल्लाह ही इसका बदला है, अगर हम समझने लगेंगे अल्लाह से मुलाकात पे हमको इसका अजर मिल जाएगा। ये मेरा रिश्तेदार है भाई, मैं इसको तोड़ तो नहीं सकता, अल्लाह का हुक्म में जोड़ के रहना है, किसी भी हाल में जोड़ना है, ये सोच लेना दिल में, और फिर उसके बाद उसका रवैया जो भी है दोस्त के साथ उसको जरा नजरअंदाज कीजिए, तो हो सकता है आगे जाके रास्ते बन जाएंगे। उसके साथ भलाई कीजिए, उसके बुरे वक्त पर उसके काम आइए, उसकी हमदर्दी हासिल कीजिए, ऐसे वक्त पर हमदर्दी कीजिए उसके साथ जब वो बेबस तन्हा रह जाता, उस वक्त जाकर उसकी हमदर्दी कीजिए। जी 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 तो जब कहीं खुद ब खुद उसके दिल आपके लिए खुल जाएंगे, इंशाल्लाह कुशादा हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक दे। आमीन आमीन। और सर मैं आज ही सुबह में जितने भी लोगों से बात किया था उन लोगों के पूरे डिटेल्स और नंबर्स भेजा क्लास के लिए, तो आप ज्वाइन कर दीजिए। हाँ मैं करता हूँ, उसके डिटेल्स की जरूरत नहीं है, नाम और काफी है, नाम और नंबर काफी है बस। इंशाल्लाह हमारी ये क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास जो है 16 नवंबर यानी के आने वाले वेडनेसडे से पहली क्लास रहेगी हमारी 7 to 9। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उसको शुरू कर देंगे 17 नवंबर से, 16 नवंबर से, यानी कि कल का एक दिन है, परसों हमारी नई क्लास शुरू होने वाली है। जो जो भी नंबर दिए हैं या जो जो भी किसी भी नंबर दिए जिसको भी नंबर भेजाए हैं उन सबसे भी आप ऐलान के जरिए बता दीजिए, या फिर जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए इंशाल्लाह। उसके लिंक वगैरह जरा जी, उसके लिंक ग्रुप में आ गया ना बेटा, पूरा ग्रुप में वो लोग जिसको मैं भेजाया जिसको मैं भेजाया आज वो मैं कंफर्म कर लेता हूँ आए नहीं आए, उसके बाद मैं आपको कल बोल। ठीक है ठीक है।
सर सूरह तगाबुन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, आराफ के और बकरा के इम्पोर्टेंट। जी नहीं है सर, उसके अंदर ये तीन चीजा नहीं है, और सूरह बकरा का स्ट्रक्चर भी नहीं है सर। नहीं नहीं, सूरह बैना, सूरह तगाबुन, सूरह आराफ का मैं भिजाया शायद आपके पास, मैं सूरह मंडे की क्लास में तो भिजाया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं है सर, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, ठीक है इंशाल्लाह। जी हाँ, तगाबुन, आराफ और बकरा के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और बकरा का स्ट्रक्चर भी नहीं है सर। नहीं, बकरा का स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बाद में आएंगे इंशाल्लाह। तो सूरह बकरा का तो मैं भिजा दूंगा आपको, तगाबुन के और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भिजा दूंगा इंशाल्लाह, आराफ के। जी सूरह आराफ के और उसके। जी चलिए, और कोई सवाल, बात समझ में आ गई सब लोगों को कि अल्लाह ताला के पास पहला कैसा मनाजरा हुआ, कैसा फरिश्ते अपना ख्याल जाहिर करे, फिर अल्लाह सुब्हान ताला कैसा ठोस उसके साथ बोले कि मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। ये तमाम चीजें एक एक आयत को अगर आप समझने की कोशिश करें तो फिर यकीनन हमारे ईमान के दर्जे भी बढ़ जाते और यकीन के दर्जे भी बढ़ जाते इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह, उसको साबित कदम रखे और सबर करने वाले बनाए बस। और कोई सवाल है, सवाल कीजिए इंशाल्लाह। तकरीबन दुआ कर लेना जी। अल्लाह बिस्मिल्लाह, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائیے، لغزشوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ بے شک بڑے گنہگار ہیں، اللہ خطا کر رہے ہیں، اللہ فضل و کرم سے معاف فرمائیے، اے اللہ ہماری اس جمع ہونے کو، ہمارے اس بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائیے، ہماری ہدایت کو اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائیے۔ اللہ جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے، اللہ سنا گیا ہے، اللہ اس پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ جو کچھ بھی غلطیاں ہوئی، اللہ کوتاہیاں ہوئی، اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیے۔ اللہ آپ کے پر، یا اللہ جیسا توکل کرنے کا حق ہے، اللہ ویسا توکل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ حقیقت والا ایمان نصیب فرمائیے، اللہ ایمان پر سلامت رکھیے، اللہ ایمان پر یا اللہ بڑھوتری فرمائیے، اور ایمان پر خاتمہ فرمائیے، اللہ خاتمہ بھی خیر فرمائیے، اللہ کلمے والی موت نصیب فرمائیے۔ اللہ اللہ آپ کی فرما برداری میں اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے، آپ کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ حقیقت والی نماز نصیب فرمائیے، اللہ جاندار نماز نصیب فرمائیے، نمازوں کا خوش و خضوع نصیب فرمائیے، جو نماز آپ کے پاس قبول ہوتی ہے اللہ اسی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ علم نافع نصیب فرمائیے، اللہ ایسا علم نصیب فرمائیے جو علم ہمیں کو عمل پر ٹھہرا دے، اللہ ایسے علم سے ہماری حفاظت فرمائیے جو ہمارے پکڑ کا ذریعہ بنے۔ اللہ ہم کو اللہ ہمیشہ اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اللہ ہم کو غافل رہنے سے، غفلت سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نورانی اخلاق نصیب فرمائیے، اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائیے، اللہ جو کچھ بھی کام کرے میں اضافی کی رضا کے لیے کرنے والا بنائیے، اللہ نام و نمود دکھلاوے سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے کفر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم نے آپ سے جو وعدہ کر کے آیا ہے، اللہ اس کو پورا پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اللہ کم سے کم کرنے کی تو بھی کوشش نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمارا شمار ہے اللہ صدیقین اور صالحین میں ہمارا شمار فرمائیے، اللہ ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمائیے، اللہ ہمارے نام اعمال کو علیین میں سے بنائیے اللہ۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے اللہ، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جن خیر کے لائن سے دعائیں مانگی ہیں، اللہ ان میں ہمارا اور ساری امت کا حصہ نصیب فرمائیے، جن شرور سے پناہ چاہیے اللہ اس میں سو ہم کو بھی بچائیے اور ساری امت مسلمہ کو بھی بچائیے اللہ۔ اللہ جو کچھ بھی بیمار ہے اللہ، جو کچھ بھی اللہ بیمار ہے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے، جو کوئی بھی تکلیف میں اللہ تکلیفوں کو دور فرمائیے،
जो कभी परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमाइए, एला एला जो मांगेगा है वो भी अता फरमाइए, जो मांगने से रहेगा अपने शान के मुताबिक अता फरमाइए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही वअला आलिही मुहम्मदिन वअला आलिही वअसहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानल्लाहि बिहम्दिही सुभानल्लाहि बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अन्त नस्तग़फिरुका नस्तग़फिरुका वनतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सर सर वो मैं मालूम करा वो ऐड नहीं हुए थे नहीं, तो जरा आज ऐड जो कर दीजिए ना। वो जो आज जो फॉरवर्ड करें आप डिटेल्स के साथ, इंशाल्लाह शाम में।